सर, अगर आपकी जांच हो गई है तो हम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दें। सर, ये मार्टिन और सलोमी हैं, इस घर के नौकर। इन्होंने पहले देखा सर। आप दोनों कुछ देर के लिए बाहर आ जाइए। सर, आपने कहा था आज आप लीव पर हैं। मैं लीव पर था, लेकिन जयराम सर ने मुझसे कहा कि मैं खुद ही एक बार वहाँ पे जाके देख लूँ। अच्छा, वैसे ये आदमी बहुत ही बड़ा फेमस आर्टिस्ट था ना, कुछ जानते हो इसके बारे में? थोड़ा बहुत जानता हूँ सर, लक्की नाम था इसका। आज से करीब 2 महीने पहले इसका और इसके दोस्तों का एक कंपनी से झगड़ा हुआ था, दोनों पार्टी के लोगों को। उस झगड़े में काफी चोट आई थी, और झगड़े में तो सर ऐसा होता ही है। okay. उन्होंने रिपोर्ट फाइल की थी। अच्छा, और उसके बाद पुलिस से कुछ लोग वहां गए थे, मेरी भी ड्यूटी वहीं पर थी। आप लोग यहां पर कब से रह रहे हो? सर, हम यहां 5 साल से काम कर रहे हैं। लकी की माँ के मौत के बाद से हम लोग यहीं पे हैं। सुबह क्या हुआ था बताओ? जब हम आए तब दरवाजा खुला था, जब मैं कॉफी लेकर आई तो सर अपने रूम में नहीं थे। फिर मैं उन्हें इस हाल में देखकर रोने लगी। ये जाकर डॉक्टर को लेकर आए। हाँ सर, डॉक्टर ने चेक करके बताया कि लकी अब नहीं रहा। जब मैं आया तब डॉक्टर यहीं था, हमने स्टेटमेंट ले ली है। हमें समझ नहीं आ रहा है, ये बात हजम नहीं हो रही है। हमने कभी कभी ऐसा सोचा नहीं था। इसका मतलब तुम यहाँ रहते नहीं हो? नहीं सर, हम पास की बस्ती में रहते हैं, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर। हम कुछ सामान लेने निकल गए थे, और वैसे भी सर अकेले ही रहते थे। वैसे आप दोनों यहाँ किस वक्त आते हो? हम यहाँ सुबह 6 बजे आते हैं, तब लकी एक्सरसाइज और साइकिल चलाने के लिए जाते थे। वो कभी कभी रात में घर नहीं आते थे, बाहर ही सो जाते थे। पूरा घर बिखरा रहता था और दरवाजा भी खुला रहता था, और वो काफी गहरी नींद सोते थे। हाँ। कई बार आवाज लगानी पड़ती थी। अच्छा, ये लकी के माँ बाप नहीं थे क्या? जब लकी की उम्र 6 साल की थी तभी उनके पिता की मौत हो गई, लेकिन उनकी माँ ने कभी एहसास नहीं होने दिया कि उनके पिता अब नहीं रहे। कुछ दिनों के बाद एक बीमारी की वजह से उनकी माँ भी गुजर गई। लकी पर इसका गहरा असर हुआ। इस सदमे से बाहर आने में उन्हें काफी वक्त लगा। इसलिए उनके मास्टर शिवा ने उन्हें काम पर लगा दिया। वो लकी को पेंटिंग सिखाते थे। तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना हम कहां। और इसी पेंटिंग की वजह से शिवा सर और मोहल्ले के कुछ लड़कों के बीच लकी की अच्छी जान पहचान हो गई। श्री साई नाम की एक कंपनी से इन सभी लड़कों का झगड़ा चल रहा था। उस वक्त बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था जब इन लड़कों ने उस कंपनी की दीवार पर पेंटिंग बनाकर कुछ लिख दिया था सर। उनके अलावा हम लकी के किसी दुश्मन को नहीं जानते। उसके बाद 3 महीने के लिए एक लड़की उनके साथ रहने के लिए आई। उस लड़की का नाम निहारिका था। वो दोनों साथ में बहुत खुश रहते थे, हमेशा हंसते रहते। हमने सोचा लकी सर उससे शादी करेंगे। जब 2 हफ्ते पहले हम यहाँ आए तो हमने उसे नहीं देखा, और पूछा तो लकी सर ने कहा कि वो बैंगलोर चली गई है। उसके जाने के बाद लकी काफी तनाव में रहने लगा। जब हमने लकी सर को गौर से देखा तो वो परेशान लग रहे थे, जैसे कोई बड़ा दुख अपने अंदर छुपा लिया हो। आप दोनों ने कल कुछ अजीब होते हुए देखा? जब हम कल शाम को निकल रहे थे तो एक कुरियर आया था। शायद उसी लड़की ने भेजा था। इन्होंने जिनके बारे में बताया सबको ट्रेस करो, शिवा, निहारिका और श्री साई बिल्डर्स। ओके सर। हाँ, काम हो गया फातिमा, तुम रेडी रहो। ठीक है, तो मैं अभी निकलता हूँ। दरअसल मुझे फातिमा के साथ किसी अर्जेंट काम के लिए जाना है। तुम बाकी का सारा काम देख लो, और कुछ सस्पिशियस मिलता है तो मुझे कॉल करना। जी सर।
और फॉर्मेलिटीज होने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज देना, और इस बीच अगर इसका कोई रिश्तेदार यहाँ पर आता है तो उससे पूरी इंक्वायरी कर लेना, और किसी को लाश के पास आके रोने मत देना। एक काम करो, किसी को अंदर आने ही मत देना, और सारा काम होते ही जगह सील कर देना। ओके सर। ठीक है, तो मैं कल मिलता हूँ, हम रात को फोन पे बात कर लेते हैं। सर सर, हाँ, शाम को मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी पे जरूर आना, 7 से 7:30 के बीच आ जाइएगा। ओके ठीक है, चलता हूँ। ओके सर। सर, जयराम सर कहाँ है? सर क्या हुआ अकबर? हमने इनिशियल इंक्वायरी शुरू कर दी है सर, बाकी सारा काम तो आलोक संभाल लेगा। ओके अकबर, मीडिया वालों को इस बारे में खबर हो गई है, इससे पहले वो अपना इस पर रिव्यू दें, हमें जल्द ही इस पर अपना एक्शन लेना होगा। मैं और आलोक कल से इस पर सीरियस इंक्वायरी करेंगे सर, मुझे लगता है तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी। ठीक है, अभी तुम निकल सकते हो, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके सर, रखता हूँ। एंटोनी भाई, एक काम करो, उनका स्टेटमेंट लेकर उनको यहाँ से जाना। ओके सर। ओके, चलता हूँ। सोच समझ कर ये डिसीजन ले रहे हो ना, क्योंकि डिवोर्स लेते वक्त तुम दोनों से पहला सवाल यही पूछा जाएगा। अगर कुछ चांस है तो हम आपस में बात करके सेटल कर लेंगे, पर तुम्हारे साथ तो ऐसी कोई बात है नहीं। एक बार फिर से सोच लो। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मैडम, हमने डिसाइड कर लिया है, हम दोनों हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डिवोर्स के बाद भी हमारी दोस्ती जारी रहेगी। फातिमा, फातिमा तुम्हें कुछ नहीं कहना है? मैंने पहले ही कहा था, द डिसीजन इज योर्स। एडवोकेट की हैसियत से मैं समझा रही थी, पर एज ए गुड फ्रेंड अब डिवोर्स लेना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, आप केस फाइल कीजिए। मुझे आने में देर हो जाएगी, तुम खाना खा के सो जाना। आइए आइए भाई साहब। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू। और कैसे हैं? इतनी देर से क्यों आए? थोड़ा काम था। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। आपको शुगर तो नहीं है ना? मुझे तो नहीं है, पर अकबर को जरूर होगी। ये दिखता जवान है पर बुढ़ा हो गया है। फातिमा इनकी अच्छे से खबर लेगी। पापा के पास जाओ। पापा, हाँ बेटा, दो क्यों, चार मिलेंगी आपको। बच्चे ही हमारी जिंदगी में बदलाव लाते हैं। अगर इन्होंने इस बच्ची को अडॉप्ट नहीं किया होता तो ये लोग आज तक डिप्रेशन की वजह से हॉस्पिटल्स के ही चक्कर लगाते रह जाते। जिंदगी में सिर्फ खून का रिश्ता मायने नहीं रखता, ये तीनों उसके एग्जाम्पल हैं। रिश्ते बनाने के लिए दिल में जगह होनी चाहिए। अपने खुद के बच्चे तो सभी को प्यारे लगते हैं सर। सही है, पर दूसरों को अपनाना आसान नहीं होता। एनीवे, लेट्स कम टू आवर टॉपिक। आलोक ने ब्रीफ इंक्वायरी की है, इस केस में मिर्च मसाला लगाने के लिए मीडिया वाले कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो व्हाट्स योर इनिशियल थॉट अबाउट इट? अभी तक हम कुछ क्लैरिफाई नहीं कर पाए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही किसी भी कंक्लूजन पर बोलना सही नहीं होगा सर। मैंने भी उन लोगों से यही कहा। मैं यहाँ आ रहा था तो मेरी बेटी ने लकी के बारे में बताया, वो उसके एग्जीबिशन में वॉलंटियर थी। एग्जीबिशन में लकी ने कमाल का इंस्टॉलेशन किया था, लेकिन मुझे वहां पर शहर का कोई भी ऐसा शख्स नहीं दिखा जो थोड़ा बहुत नामचीन हो। लगता है उसकी लाइफस्टाइल कुछ अलग थी। जी हाँ सर, जब वहां पर नौकरों से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा। सबसे पहले ये खबर जिसे मिली और जिसने मुझे इन्फॉर्म किया वो मनोज है। कुछ दिन पहले लकी से मैं एक शादी के फंक्शन में मिला था, वहां उसके साथ एक लड़की भी थी। मुझे उनके रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं पता, पता नहीं किस कारण उसने जेपी सर से झगड़ा किया। मुझे बस यही पता है, जेपी मतलब जयप्रकाश, टाइम्स मैगजीन में आर्टिकल्स लिखते हैं। हाँ, वो काफ़ी फेमस राइटर है। उस दिन लकी ने उनसे झगड़ा किया और उनके ऊपर काफ़ी सारे आरोप भी लगाए। उसके बाद वो लड़की लकी को ज़बरदस्ती वहाँ से लेके चली गई। मुझे लगता है जेपी सर का कोई ना कोई कनेक्शन होगा। मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह कोई रिवेंज है,
अगर उसके नौकरों की माना जाए तो वो हमेशा अपनी दुनिया में ही बिजी रहता है। ये घटना बहुत ही अजीब परिस्थिति में हुई है। ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। आओ बैठो। क्या सर? जस्ट गेट इनसाइड सर। देखो, ये परिवार का मामला है अकबर। कुछ रिश्तों को इतनी आसानी से नहीं तोड़ना चाहिए, तालमेल बिठाना चाहिए। अभी 7-8 महीने पहले ही तुमने फातिमा से निकाह किया था। मैं वजह जानता हूं। उसका नाम क्या है? जेनेट। जेनेट को ना भुला पाना ही तुम्हारी प्रॉब्लम है। सर, मैंने अभी जो भी फैसला किया है सोच समझ कर किया है। अब और इस पर क्या डिस्कस हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इसमें सिर्फ तुम और फातिमा ही शामिल नहीं हो, डिपार्टमेंट के काफी सारे लोग इस शादी का हिस्सा थे। तुम ये कैसे भूल सकते हो? ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं है सर। ये निकाह ही सबसे बड़ी गलती थी। ये सिर्फ फातिमा की या मैडम की या मेरी बात नहीं है। खुद को इस रिश्ते में बांध कर रखना ही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अब आप ही बताइए सर कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कोई नहीं है जिससे गलती ना हुई हो। बहुत से महान लोगों ने गलतियां की हैं, पर जिंदगी चलती रहनी चाहिए। सर, टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ जेनेट को भूल जाना ही सॉल्यूशन नहीं है। मैं अभी भी ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं जेनेट से अलग क्यों हुआ। ये सब सोच के बहुत दर्द होता है। जब आप लोगों ने इतना समझाया तो मुझे ऐसा लगा कि फातिमा इस सब के लिए मान जाएगी। फातिमा मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं थी, बल्कि वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सर। आई नीड टू सेट हर फ्री। शी डिजर्व्स अ बेटर लाइफ। शायद हम अच्छे कपल्स नहीं बन सके, लेकिन अच्छे दोस्त तो बनकर रह सकते हैं ना सर। माय फुट। अच्छी दोस्त प्यार के आगे ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती है। सुनो, जब तुम मेरी उम्र के होगे ना, तब भले ही ये जवानी का जोश ना हो, पर तुम्हें एक दोस्त की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हारे सुख दुख शेयर करे। इसीलिए फातिमा इज योर बेस्ट चॉइस। गॉट इट? वक्त के साथ तुम जेनेट को भूल जाओगे। इस बारे में ध्यान से सोचना। गुड नाइट सर। ओके सर। ओके। जयराम सर ने कहा कि जेपी के बारे में पता लगाओ। यस सर। वो शहर में है या नहीं ये देख लेना। ठीक है सर। और अगर वो यहाँ पर है तो हम उससे मिल लेते हैं। ओके। कल सुबह घर पे आ जाना मेरे। हाँ। ओके। बाय बेटा। बाय बोलो बेटा। बाय बोलो। वेरी गुड। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। जी सर। लकी इतना फेमस आर्टिस्ट था। हाँ, ये सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है सर। बुरा हुआ। सर, जेपी ने आज 3 बजे के बाद हमें मिलने के लिए कहा है। एक बार वापस लकी के घर चलते हैं। ओके। एंटोनी भाई। हाँ। आप सुदेश को फोन करो और उसे चाबी और फाइल वहीं पर मंगवा। हाँ। और उसे ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में पूछ कर मुझे बता। जी। एंटोनी भाई। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर, अभी तक आई नहीं है। दोपहर तक सूरज लेकर आ जाएगा सर। सर, यहाँ 4 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और इनमें से 3 मैच हो गए हैं। लकी, मार्टिन और सलोमी। और ये चौथा एक औरत का है। बेशक ये निहारिका के ही होने के चांसेस हैं। कंफर्म करके बता देना। ओके सर। जरा ये कैप पकड़ना तू। Thank you.
आलोक। हाँ सर। मुझे लगता है ये उसकी डायरी है। मार्टिन के जाते वक्त ये कुरियर से आई थी। एक काम करो, इसे पैक करके रख दो और इस फाइल में केस की सारी डिटेल्स हैं। हाँ ठीक है ठीक है सर। ऑफिस से फोन है, जयराम सर ने सबको 12 बजे के बाद ऑफिस में बुलाया है सर, क्योंकि पोस्टमार्टम सर्जन वहीं आ रही है सर। अभी टाइम कितना हुआ है? अभी 11 बजे है सर। उनको बोल दो हम आ रहे हैं। हाँ सर। हेलो। अच्छा आलोक। हाँ सर। तुमने कहा था कि तुम्हारी मौजूदगी में लकी के साथ कुछ घटना हुई थी, क्या हुआ था बताओ। सर मुझे लगता है वो जरूर किसी फ्रॉड बाबा का केस रहा होगा। हाँ। कुछ लोगों ने उसे मारा था और उसे नंगा करके उसकी फोटो दीवारों पर चिपका दी थी उन्होंने, और उसके आदमियों को ये चीज बुरी लगी। अच्छा। और उन्होंने प्रॉब्लम खड़ी कर दी। हाँ सही है। और फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ क्या? उन दोनों ग्रुप में झगड़ा हुआ था और कुछ लोग घायल भी हुए थे। आपने कुछ कहा क्या? हाँ सर, उसके बाद वो कपड़े पहन के भाग गया था। चलो अच्छा है, लाओ मेरी कैब दे दो। सर। डॉक्टर मैं आपसे सीधे मिलना चाहता था, वरना रिपोर्ट आप इन्हें ही देकर चली जाती। आई गेस वी हैव समथिंग। यस सर, वी हैव फाउंड समथिंग। उसकी मौत जहर से हुई है और जहर मुंह से शरीर में गया है। हम जहर की पहचान तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन इट लुक्स लाइक अ स्लो पॉइजन। स्लो मतलब ये नहीं कि इसमें वक्त लगे, इट्स लाइक अ सेडेशन। इससे मौत होते वक्त इंसान को तकलीफ नहीं होती, इससे बिल्कुल स्मूथ और एफर्टलेस और पेनलेस डेथ होती है। 99% ये सुसाइड केस है, ऐसा मेरा कंक्लूजन है। जितना आपने बताया उतना ही मान लेना ठीक है डॉक्टर? नहीं, और भी कोई कंक्लूजन हो सकता है। लकी वॉज इन हिज लास्ट डेज, उसकी जिंदगी में सिर्फ 2 या 3 महीने ही बचे थे। उसके दिमाग में ओवर मैच्योर मैलिग्नेंसी थी सर। आर यू बाय एनी चांस सस्पेक्टिंग ब्रेन कैंसर? यस, मुझे जो समझ में आया उसके जीने के चांसेस बस कुछ ही हफ्ते थे, जल्द ही उसकी नेचुरल और दर्दनाक मौत होने वाली थी। यानी मौत के डर से सुसाइड की पॉसिबिलिटीज है। सो आई थिंक दैट्स इट। यही बात मीडिया को बताइएगा, क्या कहते हो अकबर? उसके बारे में उसके घर के नौकरों की तो बहुत ही अच्छी राय सुनने को मिली मुझे। अगर सच कहूं तो ऐसे इंसान ने बीमारी के खौफ में ऐसा कदम उठा लिया, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। मेंटली डिप्रेस्ड पेशेंट ही ऐसा कदम उठाते हैं मिस्टर अकबर। उसके पास्ट लाइफ को प्रेजेंट से कंपेयर करना ठीक नहीं है। इफ यू गाइस हैव नथिंग एल्स, शैल आई मूव? यस डॉक्टर। सर हियर इज द रिपोर्ट। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर वन सेकेंड, लकी के शरीर पर किसी भी टाइप का कोई जख्म या फिर इंजुरीज के कोई निशान थे? नथिंग रिलेवेंट, ज्यादा नहीं, पर बॉडी में 2-3 जगह इंजुरीज जरूर थी, पर कहीं भी कोई भी बड़ी इंजुरी तो नहीं थी, सिर्फ कुछ खरोंचे थी, वो भी काफी पुरानी लग रही थी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। क्या हुआ अकबर? सर तुम कुछ कंफ्यूजन में लग रहे हो, तुम्हारी थियरी में कुछ लूप होल्स हैं क्या? लूप होल्स नहीं है सर। तो फिर जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो लकी के नौकर से मेरी बहुत देर तक बातचीत हुई थी। उसी दौरान उसने मुझसे कहा था कि लकी के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी, और सिर्फ इतना ही नहीं, एक लड़की कुछ महीनों से उसके साथ में रह रही थी। इसका मतलब यह कि उन दोनों के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप रही होगी। लेकिन जिस दिन हादसा हुआ तभी वो लड़की अचानक वहां से गायब हो गई, ऐसा मुझे स्टेटमेंट में पता चला। सो इस केस की सच्चाई तभी सामने आएगी जब हम उस लड़की तक पहुंच पाएंगे। अगर तुम्हें इसकी जरूरत लगती है तो यू प्लीज प्रोसीड। अभी के लिए मैं मीडिया के सामने ऑटोप्सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताऊंगा। देखते हैं वो क्या लिखते हैं, तब तक उन्हें अपना दिमाग लगाने दो, तुम जा सकते हो। ओके सर। या जैसा कि मनोज ने हमें बताया, और उस सर्वेंट ने भी जेपी और उस लड़की का नाम लिया था, तो हमें इन दोनों से कुछ लीड मिल सकती है। उसने आज शाम को मिलने के लिए कहा है। अच्छा। हाँ। लकी की डेड बॉडी का क्लेम करने के लिए कोई रिलेटिव आया था? अभी तक तो कोई नहीं आया सर। हाँ। मुझे लगता है उसका कोई क्लोज रिलेटिव था ही नहीं। हो सकता है कोई 1-2 दिन में क्लेम करने के लिए आ जाए। चलो जेपी से मिलते हैं। हाँ। अच्छा हुआ वो मर गया, वो उसे अपने घर ले गया और मरने के लिए छोड़ दिया। वो ही मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार है, उसने आत्महत्या कर ली, यही सच्चाई है। लकी के साथ रहने वाली निहारिका की आप बात कर रहे हैं? उसने आत्महत्या की थी, कब की थी? कुछ ही दिन पहले, इससे बुरा और क्या हो सकता है। कहाँ की थी? बेंगलोर में, अपने ही घर में। तो इस बारे में आपने लकी को बताया था? क्यों बताऊं, कौन है वो? ओके, बाय द वे मिस्टर जेपी, आप निहारिका के बारे में कैसे जानते हैं? मिस्टर अकबर, निहारिका मेरी भांजी थी, मेरी सगी बहन की बेटी थी वो। उसको मैंने पाला पोसा है, भांजी की तरह नहीं, अपनी बेटी की तरह।
और वो उसे ले गया, स्काउंड्रल। मैं अभी उस सदमे से उबर नहीं पाया हूं। उस आदमी की बात करना बेकार है, लेकिन नेहा, हम उसे बचपन से इसी नाम से बुलाते थे, निहारिका बैनर्जी। बैनर्जी, ये तो बंगाली सरनेम है ना? हाँ, बंगाली है। जय सुधा, उसकी शादी एक बंगाली से हुई थी, आशुतोष बैनर्जी, बंगाली राइटर थे वो। पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात हुई। जब निहारिका 3 साल की थी, ही पास्ड अवे, इट वॉज एन एक्सीडेंट। उसके बाद वो ज्यादा दिन कोलकाता नहीं रुकी। बैंगलोर के एक इंस्टीट्यूट में जयसुदा को केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में लेक्चरर की पोस्ट मिल गई। तब से वो वहीं सेटल हो गई। यहाँ की पढ़ाई और पालन पोषण बैंगलोर में ही हुआ। वो हमेशा सीरियस रहती थी, बिल्कुल अपने पिता की तरह। वो बचपन से ही अपने पिता की तरह राइटर बनना चाहती थी, और अपनी माँ की तरह उसका पढ़ाई में बहुत मन लगता था, और वो केमिस्ट्री में बहुत एक्सपर्ट हो गई थी। उसके बाद उसने मास्टर्स और पीएचडी की। अच्छा, तो क्या निहारिका यहाँ पर भी कुछ दिनों के लिए रहने आती थी? नहीं नहीं, एक बार अपनी पीएचडी के सिलसिले में यहाँ आई थी वो, और उस वक्त इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पर रिसर्च कर रही थी। उसने यहाँ रहकर 2 महीने तक एकरी सेट में काम किया था, और यहीं रहती थी वो। उसके बाद उसकी मुलाकात लकी से हुई और वो यहाँ से चली गई। यहाँ से जाने के बाद आपकी उससे मुलाकात हुई? कई महीने उसे उसके साथ देखा था मैंने। एक बार एक पार्टी में मेरी उससे मुलाकात हुई थी, लेकिन उसने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की, फिर वहाँ से भी चली गई। अच्छा, ये सब कुछ तो ड्रीम हॉल की पार्टी में हुआ था ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? मुझे पता चला है कि लकी और आपके बीच में वहाँ पर झगड़ा हुआ था। आप लकी या निहारिका के किसी दोस्त से मिलते थे? नहीं तो, मुझे बाद में पता चला कि वो बैंगलोर चली गई। मुझे लगा उसे लकी की सच्चाई पता चल गई होगी, और सोचा कि अब वो कभी ऐसा दोबारा नहीं करेगी। उसके बाद उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, और आखिर में। निहारिका ने सुसाइड कैसे किया था? जहर खाकर। वो उस दिन शाम तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। पता चला वो डीप स्लीप पे थी। ये सब उस कमीने की वजह से हुआ सर, नेहा को उसी ने मारा। रिलैक्स जेपी, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। ये सब कुछ तो एक बुरे सपने जैसा था, पर हमें सच्चाई को मानना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, 2 हफ्ते बाद हम फिर से मिलेंगे, क्योंकि इस केस को सॉल्व करने में हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत पड़ेगी। ओके, सॉरी फॉर, इट्स ऑल राइट। चलो, थैंक यू। अच्छा सुनो सर, इनसे निहारिका के बैंगलोर का एड्रेस ले लेना। बैंगलोर का? हाँ। मुझे लगता है हमें इस पर नजर रखनी चाहिए। बैंगलोर में तुम्हारा कुछ कनेक्शन है क्या? है सर। इस एड्रेस से बैंगलोर के पास के पुलिस स्टेशन को लोकेट करो, उनसे निहारिका की मौत के बारे में पता लगाओ। देखते हैं वो लोग इस मौत के बारे में क्या बताते हैं। ओके सर। हाँ सर, ये रही वो डायरी। हाँ, अच्छा तुमने लकी के दोस्त के बारे में मुझे बताया। हाँ, सर, शिवा। हाँ। वो अभी तक नहीं मिला, पर हमें हाँ। पता चला है कि वो अब वहाँ नहीं रहता। हाँ, अच्छा, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी श्री साई बिल्डर्स। हाँ, अगर उस कंपनी का कोई बंदा तुमसे मिलता है तो उनसे अगले हफ्ते की अपॉइंटमेंट ले लेना, लेकिन साफ साफ उन्हें कुछ भी मत बताना। जी सर। ठीक है, तो तुम निकलो। ओके सर, हम कल मिलते हैं। लगता है सर आ गए मैडम। लकी, मुझे पता है तुम वहां काफी परेशान हो, यहां मैं तुमसे 100 गुना ज्यादा परेशान हूं। तुमने मुझे अपने साथ नहीं रखा और मुझे यहाँ भेज दिया। चलो छोड़ो, इस लेटर के साथ ये डायरी भेज रही हूँ, शायद तुम्हें देखकर अच्छा लगे। तुम बिना मुझे बताए मेरी डायरी पढ़ना चाहते थे, आराम से पढ़ो।
मैंने कहा था नहीं कि मैं ये डायरी तुम्हें तब दिखाऊंगी जब तुम इसे पढ़कर समझने के काबिल हो जाओ। हमारी मुलाकात एक झगड़े से हुई थी, तभी से मुझ में फीलिंग्स जाग उठी थी, पर मुझे नहीं लगा था कि ये सब ऐसे खत्म हो जाएगा, इसलिए ये लेटर भेज रही हूँ। इसमें छोटे मोटे झगड़े, प्यारी यादें और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ सब है। इसे पढ़ने से पहले तुम अच्छे से आराम कर लेना, एक बार सब कुछ दोबारा पढ़ना। इसे पढ़ने के बाद तुम मुझे अपने पास पाओगे, तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे मैं तुम्हारी यादों में हूँ, तुम्हारी निहारिका। लकी, तुम इतने शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों हो? तुम एक आर्टिस्ट हो, तुम चीजों को शांति से सॉल्व कर सकते हो, गुस्सा क्यों करते हो? मुझे पता है तुम्हारा गुस्सा छूटा है, इसलिए ये ज्यादा वक्त नहीं रहता। मुझे लगता है हमारी फ्रेंडशिप काफी लंबी चलेगी। नेहा उधर देख। वो वाला इतना सुंदर है ना। है तो चलो वहाँ चलते हैं। तुम्हें समझ नहीं आता, आज संडे है और तुम मुझे ये सब बकवास चीजें दिखाने ले आई। तुमने तो कहा था कि घर पे बोर हो रही हो, शॉपिंग करने से अच्छा है कि हम यहाँ पे आ गए। अगर तुम्हें इंस्टॉलेशन पसंद नहीं आए तो चल के पेंटिंग देखते हैं, वो पसंद आए। रहने दो, ये पेंटिंग किसी को समझ में नहीं आने वाली। पेंटिंग? अरे बाप रे, ये क्या फालतूगिरी है। इन सब के बारे में ऐसा मत कहो, सबका अलग अलग मतलब होता है। मतलब इन्हें खूबसूरत सिनेरियो या हम जैसी खूबसूरत लड़कियों की पेंटिंग बनानी चाहिए। ये एक डिप्रेशन है, फटाफट बना दिया। मुझे तो इसमें बस यही सब दिख रहा है। क्या कहा? हाँ, फटाफट बन गया। तुम्हें पता है इसे बनाने में कितना समय लग गया? 2 महीने। 2 महीने लगे? और इसमें अब रहने भी दो बॉस, शौक पूरा करने के लिए तो 3 महीने भी लगा सकते थे। तुमने तो कहा था कोई ग्रेट आर्ट लवर है, इसमें ऐसा तो क्या ग्रेट लग रहा है तुम्हें? ये कोई चम्मच से खाना खाने जैसा नहीं है। इसके बारे में तभी पता चलेगा जब इसे दिल से देखा जाए। ये जगह कोई टाइम पास करने वाली या बकवास से कमेंट्स करने वाली नहीं है। हाँ तो बोर्ड लगाना चाहिए ना कि हम जैसे लोग यहाँ नहीं आ सकते। हाँ गलती हो गई, बोर्ड लगाना चाहिए था। हमें नहीं पता था कि यहाँ कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा। तो फिर तुमने ये शो यहाँ रखा ही क्यों? हाँ तो जाओ ना, क्या समझता है? चल रहा हूँ, किसी चीज का सेंस होता नहीं। अरे लकी, तू वहाँ क्यों पंगे ले रहा है? देख यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मैं अभी जाके आता हूँ, तू यहीं रुकना। हुआ क्या, चल रहा है? मैं हूं ना संभालने के लिए, तुम जरा भी चिंता मत करो, शांत खड़े रहो। ए, तुम प्लीज पीछे हो जाओ और शांत रहो प्लीज। नेहा इधर आओ। क्या है? तुमने उसे बकवास कहा था ना, यहाँ के देखो उसे कैसा लग रहा है। सोचे समझे कुछ नहीं कहना चाहिए, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी नेहा। मीना तुमने देखा ना वो कितना घमंडी और गुस्से वाला है, उसे अपने टैलेंट पे ना कुछ ज्यादा ही घमंड है। अच्छा, तुम हार्ड वर्क करके रिसर्च मटेरियल तैयार करो और अपने प्रोफेसर को दिखाओ और वो कह दें कि ये सब बकवास है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? सच बताना। ऐसा लगेगा जैसे मुझे मार डाला। सही कहा, उसे भी ऐसा ही लगा होगा। सॉरी बोलना होगा ना? हाँ बोलना तो चाहिए, पर इस बार तुम उसके पास गई ना तो तुम्हें थप्पड़ मारेगा, तो मत जाना, समझ गई ना? हेलो, ए नेहा, हमें निकलना है, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। सुनो, हम ना अगले हफ्ते मिलते हैं, अगर मैं उसे सॉरी नहीं बोलूंगी ना तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। हम अगले हफ्ते मिलते हैं। ओके बाय, पक्का बाय बाय। हमें उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम लोगों ने मुझे सपोर्ट क्यों नहीं किया? अरे छोड़ कभी भी कुछ भी बात करते हैं, सगर के क्या फायदा। अरे लकी, अच्छा ठीक है मैं निकलता हूँ। अरे हटना यार। एक्सक्यूज मी। सुनो, क्या चाहिए तुम्हें अभी? शांत हो जाओ। देखो, मैंने बिना समझे और बिना सोचे तुम्हारी पेंटिंग पर कमेंट किया, तो मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आ सकता है। सो रियली सॉरी। बहुत गुस्सा आता है मुझे। देखो, तुमने बिल्कुल सही कहा था कि मुझे आर्ट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। वो मेरी फ्रेंड थी ना, वही मुझे लेकर आई थी, वो चली गई वरना उसकी ट्रेन मिस हो जाती। मैं सच कह रही हूँ, फिर से कभी ऐसा नहीं कहूँगी। पक्का? हाँ।
तुम दोबारा आर्ट एग्जीबिशन में नहीं जाओगी। हाँ। और अगर गई भी तो फालतू के कमेंट्स नहीं करोगी। हाँ। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो मैं कॉफी के लिए तैयार हूँ। मेरा नाम निहारिका है, क्लोज फ्रेंड्स मुझे नेहा कहते हैं। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में रिसर्च के काम से आई हूँ। लकी, जितने भी करीबी हैं सब मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। मैं यहीं रहता हूँ, काम तो जानी गई हो। जो मैंने कहा उसके लिए मैं फिर से सॉरी कहूँगी। हाँ, मैंने उसे जब ध्यान से देखा तब समझ में आया कितनी मेहनत का काम है ये। चलो माफ़ किया, उसमें कोई गलती ही नहीं थी। हम सब एक जैसे होते हैं, जो पसंद नहीं आता उसकी बुराई करते हैं। पीठ पीछे बुराई करना हमारी आदत हो गई है। देखो, मुझे लगता है कि तुम एक आर्टिस्ट हो, तुम्हें इस तरह की बातें सुनने के लिए आदत होनी चाहिए। आई मीन, लोग क्रिटिसाइज तो करेंगे ही ना, मतलब सबको ये अच्छा नहीं लगता। ये बातें मेरे लेवल की नहीं है, मैं बिल्कुल साधारण हूँ, लोकल। पहले जैसा तुमने कहा मैं वैसा ही हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा जल्दी आता है। बहुत से लोग मेरे जैसे हैं, उनका गुस्सा जल्दी शांत नहीं होता है, पर मेरा हो जाता है। और यही उनमें और मुझमें डिफरेंस है कि मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अच्छा, यहाँ से मुझे सिटी में जाने के लिए ऑटो या बस तो मिल जाएगी ना? हो तो तुम इस शहर की नहीं हो? तो ये बताओ, तुम्हें अपना स्टॉप पता है नहीं? चलो कोई बात नहीं, वैसे मैं अभी फ्री हूँ, इस बार मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ओके। जहाँ जाना है वहाँ का एड्रेस तो है ना? हाँ, एड्रेस बैग में है। चलो फिर चलते हैं। अच्छा, तुम यहाँ पहले कभी आई हो? यहाँ आके बहुत शांति मिलती है, कमाल का बीच है ये। इस बीच पे तो मछलियाँ पकड़ी जाती है। तो सर, आपने क्या किया, ये हमारी रोजी रोटी है, लेना है तो लीजिए, नहीं तो चले जाइए। तो क्या तू इसे मेरे मुंह में डाल देगा? किसी को मार के जीना पता नहीं कैसे सीखते हैं ये लोग। सारी मछली, इसी से हमारा घर बार चलता, पता है, समझे आप? आपने इसे धक्का क्यों दिया, बताएंगे जरा हमें? मैंने जानबूझ के सामने हीरो बन रहे हो क्या? हो रहा है रे? लगता है इसे सीधी बात समझ में नहीं आती। मैडम, इसे लेके जाइए यहाँ से, वरना यहीं गाड़ देंगे। क्या कर लेगा तू? तुम पागल हो क्या? इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तुमने देखा नहीं वो मछली मेरे मुँह में घुसाया जा रहा था? तो तुमने नहीं देखा वो कितने सारे लोग थे? तुम्हें वहाँ ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर मैंने ऐसा किया तो फिर वो क्या कर रहा था? अरे तुम अपनी बात करो ना, बैठो। ये तो मिस्टर जेपी का घर है। हाँ। निहारिका, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं दरअसल अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता। अब जाऊं? ओके, बाय। ओके नेहा, ये बैंगलोर नहीं है, यहां इस शहर में ये सब नहीं चलता है। ये कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ तुम अपनी मर्जी से आ जा सकती हो। ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं तुम्हारे मामले में दखल नहीं दूंगा, पर जब तक तुम इस घर में हो तब तक तुम मेरी जिम्मेदारी हो। ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी पड़ेगी। मुझे भी मॉम से बहुत सारी बातें करनी है, पता है आपको? बिना मतलब बात को बढ़ाइए मत। आपको पता है ना, मैं सारी बातों को भुला कर यहाँ पर रहने आई हूँ, वो भी मॉम के कहने पर। जैसे ही अच्छी जगह मिल जाएगी मैं तुरंत यहाँ से चली जाऊंगी, तब तक मेरे मामले में बीच में मत आइए। चिल्लाते कितना है? सच बताना लकी, तुम्हारे कितने और रूप थे? जब मैं पहली बार तुमसे मिली तुम कितने गुस्सेल इंसान थे, और बाद में बिल्कुल सीरियस हो गए, और अब तो पूरी कहानी ही बदल चुकी है। कोई बात नहीं, चाहे कोई भी रूप हो तुम अच्छे हो। उस रात मुझे लगा झगड़ा करने और खिंचाई करने के लिए हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, पर अब मुझे लगता है तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ रहकर मुझे सही रास्ता दिखाओ, तो क्या कहते हो, मेरा साथ दोगे ना? एक बात कहूं, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मैं आसानी से नहीं मानूंगी। ये जगह भी एक छोटा सा एग्जीबिशन लगती है, अब मैं अंदर आ जाऊं या तुम मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे? तुम यहाँ आराम से आ सकती हो, बस यहाँ की चीजों पे कमेंट्स मत करना।
यहाँ का एड्रेस किसने दिया तुम्हें? दरअसल मुझे एक पेंटिंग चाहिए थी। उस दिन वो मेरी फ्रेंड थी ना, वो मुझे सारा दिन डांटती रही और झगड़ा करती रही, इसलिए मैं यहाँ हूँ। अभी उसका बर्थडे आ रहा है तो मैंने सोचा कि उसे गिफ्ट में एक अच्छी सी पेंटिंग दी जाए। काफी लोगों से पूछा तो यहाँ का एड्रेस मिला और यहाँ आकर पता चला तुम तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हो। पहले सोचा वापस लौट जाती हूँ, फिर लगा एक ऑटोग्राफ तो ले ही सकती हूँ। अच्छी बात है, वैसे गलती हो जाने के बाद उसे सुधारा नहीं जा सकता है। समझ में आई बात तुम्हारे? ओके। यहाँ आने में तुमने बड़ा रिस्क ले लिया है। हाँ। लड़कियों की नजर में एक आर्टिस्ट की इमेज बहुत खराब होती है, खास करके अगर वो लड़की स्मार्ट हो, खूबसूरत हो और अकेली हो तो खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानकर ही तो मैं यहाँ आई हूँ। उस रात तुमने मुझे ड्रॉप किया था ना, उसके बाद मेरे मामा लगातार तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। कम से कम 10 लेक्चर सुना दिए होंगे। कौन? जेपी? उन्हें तो सब अच्छा कहते हैं। शायद यहाँ पर तो सभी कहते हैं कि वो बहुत ही शानदार राइटर है, उनकी राइटिंग में जादू है, वो दूसरों से बिल्कुल अलग लिखते हैं। हे, वहीं रुक जाओ। क्या हुआ? अरे रुको तो सही। क्या? अब एक मिनट। क्या बात है? अभी तो मैंने शुरुआत की है यार। ओके। यहीं रुकना, यहीं खड़ी रहना, बस ऐसे ही। हाँ। इमेजिन करता हूँ कि उसके पीछे क्या है। तुम्हारे चेहरे पे स्माइल के साथ साथ आंसुओं को भी देख लिया, तुम कुछ तो सोच के परेशान हो और वो परेशानी दिखाना नहीं चाहती। कोई परेशान होता है तो चेहरे का रंग बदल जाता है और वही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। जैसे अभी तुम्हारे चेहरे का रंग गुलाबी हो गया है और फिर बाद में लाल हो जाएगा, जबकि इसका असर तुम्हारी आंखों पे बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा। तुम्हारा चेहरा कुछ और कह रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी आंखें कुछ और कहना चाहती हैं। तुम अपने आंसुओं को गिरने से बचाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन एक आर्टिस्ट सब कुछ देख लेता है। इसी को तो एक आर्टिस्ट की इमेजिनेशन कहते हैं। एक आर्टिस्ट से अपनी फीलिंग्स कोई नहीं छुपा सकता है। तो क्या कहती हो तुम? मैंने सही कहा ना, तुम भी तो कुछ ऐसा ही कर रही थी। क्यों? अपनी फीलिंग्स मुझसे छुपाने की कोशिश? लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों को देख के तुम्हारी फीलिंग्स समझ ली थी। सच कह रहा हूं ना, ये तस्वीर ही तुम्हारी सच्चाई है ना? तुम सच्चाई मान क्यों नहीं लेती? लकी, अभी तुम मेरे मामा के बारे में क्या कह रहे थे? किसी दिन उन्हें यहां लेकर आओ, उन्हें वहां बिठाओ और उनकी पेंटिंग बनाओ, तब उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा। पर वो इतने बड़े एक्टर है ना, तुम्हें भी बेवकूफ बना देंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं वहां खड़ी रहकर उसी के बारे में सोच रही थी। उसने मेरा पूरा बचपन बर्बाद करके रख दिया। उसके बारे में सोचकर ही मुझे घिन आती है। तुम जानते हो, एक लड़की जब अपने पिता को खो देती है तब उसका मामा उसकी माँ का सिर्फ भाई बनकर नहीं रह जाता, लड़की का बाप भी बन जाता है। मैं तो यही सोचती थी। वो हमें बेंगलोर लेकर आए, हमेशा हमारी परवाह भी करते रहते थे। वो एक बहुत ही जिम्मेदार इंसान थे, पर फिर सब बदल गया, उनके प्यार करने का तरीका भी। वो जिस तरह से अपना प्यार जताते थे वो बिल्कुल अलग तरीका था। मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपनी माँ के भाई, उनके दोस्त या उनके मेंटर के बारे में कुछ गलत कहूँ। वो माँ की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने अपनी भांजी और बहन के लिए
अपनी पूरी जिंदगी और जीने का तरीका ही बदल दिया। काफी समय तक मैं यही सोचती थी, लेकिन 2 साल के बाद मेरे साथ हर समय सिर्फ बुरा बर्ताव किया जाता। मैं समझ रही थी। एक दिन मामा मुझे वॉक पर अपने साथ ले गए। मैं उनसे थोड़ी दूरी बनाकर चल रही थी, वो मुझे एक शॉर्टकट से ले गए। वो बहुत ही वीरान जगह थी, उससे ज्यादा मैं लाइफ में कभी नहीं चली थी। और उस दिन मुझे अपनी दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर जिसका मुझे डर था वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अपने घुटनों के बल बैठ गए और जो गलतियां उन्होंने की थी उसकी मुझसे माफी मांगने लगे। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं इस बारे में अपनी मॉम को ना बताऊं। लकी उस पल मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी और डिस्टर्ब भी थी। उन्होंने उस दिन मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैं इसके बारे में मॉम को सब बताने वाली थी, पर फिर मैंने सोचा वो मुझे इतनी दूर यहाँ लाए और अपने घुटनों के बल गिरकर मुझसे इस तरह माफी मांग रहे हैं, इसलिए मैंने उनसे किया वादा आज तक कभी नहीं तोड़ा। रुको, मुझे जाना है। तुम चली जाना, लेकिन एक बार मेरे साथ अंदर चलो। मैं वहाँ क्या करूँगी? तुम्हें मेरी फीलिंग्स से कोई मतलब है क्या? मैंने यहाँ आने के लिए कितनी मुसीबतें झेली हैं। तुम नहीं जानते कि मैंने ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही क्यों शेयर की हैं। मुझे इन सब बारे में नहीं पता है, लेकिन एक बार तुम मेरे साथ अंदर चलो। आओ लकी, छोड़ो मुझे। आओ तो छोड़ो लकी। आओ ना। अरे देखो, तुमने अपने बारे में जो भी बताया उस बारे में मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ। तुम तो जानती हो कि मुझे सिर्फ एक ही भाषा आती है, ये। मैंने तुम्हारी हर बात सुनी। उसने तुम्हें इसलिए डराया क्योंकि तुम उससे डरा करती थी, लेकिन अब तुम आजाद हो। थैंक यू। अब बताओ, तुम्हें अपने दोस्त को कौन सी पेंटिंग देनी है? अपनी फ्रेंड को गिफ्ट में पहले ही दे चुकी हूँ। तुम हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय। सुनो, तुम्हें अब वहां रह के परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम कभी भी अपना बैग लेकर यहाँ आ सकती हो। यहाँ के कमरों में ताले लगे हुए हैं। हाँ, मैं सोचूंगी। अगर तुम्हें अकेले सोने में डर लगे तो मैं साथ सो जाऊंगा। आई डोंट माइंड। कहाँ ना सोचूंगी। अगर तुम मुझे वहाँ रहने का ऑफर नहीं देते तो मैं वहाँ कभी नहीं आती। पर जैसे तुम्हें पता है कि मैं वहाँ पल पल घुट रही थी। वो बिना रीजन मुझसे सवाल जवाब किया करते थे, इसलिए मैं उस घर से निकल गई। उनके कॉन्टेक्ट्स की वजह से किसी होटल में रहने के लिए सेफ फील नहीं हो रहा था। तब मैंने तुम्हारे ऑफर के बारे में सोचा और मैं अपना सामान लेकर तुम्हारे पास पहुंच गई। मुझे पता था तुम्हें बहुत खुशी होगी, और मैं भी जानती थी मेरे लिए भी यही अच्छा होगा। अंकल, मैंने आपको कितनी बार समझाया कि मेरे सामान इधर उधर मत रखा करिए। आपको ऐसा करने में मजा क्या आता है? मैं वापस वही रख देती हूं। आप इन्हें समझाइए, मेरे कहने पे नहीं समझते। हे, आओ ना। ये कितनी बार समझाओ, तुम्हें वापस रखो। आप मैंने क्या किया? चलो इधर ही रख देता हूँ। हाँ, ठीक है। कौन है ये लड़की? मुझे क्या पता, मुझे क्या पता है? सी, यहाँ की सारी चीजें मेरी कंट्रोल में हैं। मैं जो जब चाहूँ वो आसानी से ले सकता हूँ। यहाँ कोई भी चीज ढूंढना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। बताइए मैडम, आपको क्या चाहिए? एक काम करिए मैडम, आप मुझसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं मैडम, कुछ मांगिए ना प्लीज। पेंट ब्रश। पेंट ब्रश। पेंट ब्रश।
सीजर्स? सीजर्स, छोटी वाली या बड़ी वाली? मीडियम मीडियम मीडियम। वॉलेट कहाँ है? वॉलेट तो यहाँ पड़ा है। पेन? यहाँ पेन का यूज कोई नहीं करता, इसलिए पेन नहीं मिलेगी। हम यहाँ पेंसिल यूज करते हैं। पेंसिल से लिखेंगे तो उसे मिटा भी तो सकते हैं। हाय। अरे ये रही पेन। अरे मिस्टर शिवा सर, अब तक कहाँ गए थे? मैं टूर पर था। वैसे यहाँ चल क्या रहा है? नए चेहरे दिख रहे हैं। हेलो, कौन है ये? अभी मिलाता हूँ। ये है निहारिका। हाँ। सिर्फ निहारिका नहीं, निहारिका बैनर्जी। लेकिन जो लोग इनके क्लोज होते हैं वही इनको नेहा बुला सकते हैं। अच्छा। दरअसल ये यहाँ यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने के लिए आई हैं। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, वो मेरा पेन। अरे इनसे तो मैंने आपको मिलवाया ही नहीं। ये है मिस्टर मार्टिन, मैं इन्हें अंकल कहता हूँ, और ये सबसे अलग है। पूरा घर इन्हीं के कंट्रोल में रहता है। वो आवाज सुनी? सलोमी आंटी। सलोमी आंटी अंकल की धर्म पत्नी है। अच्छा लकी, तुम उसके बारे में बोल रहे हो? उन्हीं के बारे में। और ये हैं मिस्टर शिवशंकर। हाय। आर्टिस्ट, राइटर, ट्रेवलर, कुछ भी कह सकते हैं। सच कहूं तो ये मेरे गुरुजी हैं, सब कुछ मैंने इन्हीं से सीखा है। ये ज्यादा हो गया, ये सब कुछ मैं अपनी जीविका चलाने के लिए करता हूं। सलोमी जी। हाँ जी। कॉफी पियोगी ना? दो कॉफी। आपका घर कहाँ है? बेंगलोर में। कब से जानती हैं आप इसे? ज्यादा नहीं, बस दो हफ्तों से। हाँ। अगर देखा जाए तो इसकी जिंदगी में मुझे लेकर पूरे 10 लोग आ चुके हैं। हाँ? हाँ? हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा क्लोज मैं ही रहा हूं इसके। सालों से अपनी दोस्ती है। और उसकी इसी लिस्ट में तुम्हारा भी नाम जुड़ गया है। ओ, पर मैं यहाँ कुछ हफ्तों के लिए पेइंग गेस्ट के तौर पर रहूंगी। तुम सिर्फ पेइंग गेस्ट ही नहीं, उसकी जिंदगी में और भी कुछ हो। उसने जरूर तुम्हारे बारे में कुछ सोच रखा होगा। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। उसे आज तक कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। वो सभी को हंसाने की कोशिश करता रहता है, पर मेंटली थोड़ा कमजोर है। उसे जानना बहुत जरूरी है। वैसे तुम जब तक चाहो यहाँ आराम से रह सकती हो। एक साथ अपनों की मौत का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो 10 साल का था जब उसके पिता की मौत हुई। इस सदमे से वो आज तक नहीं उबर पाया। हमें लगा था कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, पर वो सदमा अब उसके दिल में पूरी तरह से मौत का खौफ बन चुका था। एक चींटी की मौत भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इतना डिस्टर्ब हो गया था। उस वक्त उसे कोई भी देखता तो उसे पागल ही समझता, लेकिन इस बीच उसकी माँ ने उसे बहुत सहारा दिया। यही वो घर है जहां दोनों माँ बेटे रहते थे। धीरे धीरे इसकी हालत सुधरने भी लगी थी, लेकिन फिर अचानक 2 महीने बाद ही उसके माँ की बीमारी से मौत हो गई। अब वो एक बार फिर से बेसहारा हो चुका था। उसकी माँ की मौत उसकी जिंदगी का दूसरा बड़ा सदमा था। फिर हम उसे साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए, काउंसलिंग करवाई, और काफी दिनों तक उसकी दवाएं चलती रहीं। पर इन सदमों ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। भले ही उसने कई सदमे झेले हों, पर उसने खुद को संभाल लिया है। आज वो अपने अतीत को भुलाकर एक बेहतरीन इंटरनेशनल आर्टिस्ट बन चुका है। आप लोग अपने डिस्कशन को 5 मिनट के लिए रोक दीजिए, क्योंकि मैं कॉफी ला रहा हूँ। कॉफी पीने के बाद आप लोग कंटिन्यू करिएगा। लीजिए कॉफी पीजिए। कॉफी इज कफिन, कफिन इज क्रिएटिविटी। अच्छा, ये बात किसने कही थी? तुमने। हाँ करेक्ट, मैंने ही कही थी। हाँ हेलो, क्या कहा? हेलो, मैं यहाँ कॉफी पीकर सीधा आ रहा हूँ, तुम वहीं पर इंतजार करो। अरे मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ, वापस मत जाओ। हाँ समझ गए, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं। कौन है? अरे मेरा ड्राइवर है, मुझे छोड़ने आया था, अब वो जा रहा है। ड्राइवर? कब से? अरे जल्दी ही रखा है। मैं इसे ले जा रहा हूँ। हाँ बाय बेटा, मिलता हूँ। बहुत अच्छी लड़की है, इससे झगड़ना मैं उसके साथ अच्छे से रहूंगा, आप परेशान मत होइए। ओह संभालना। हाँ। तो ये है आपका ड्राइवर, लगता है तू बहुत जल्दी में है। अंदर क्यों नहीं आया तू? कुछ नहीं, ऐसे ही। कुछ नहीं? ये तुमसे किसी बात पर नाराज है। तुम साथ आ रहे हो या नहीं? अरे मैं यहीं तो हूँ। मुझसे नाराज क्यों है तू? आखिर बात क्या है ये तो बता। बोला ना कोई बात नहीं। तो फिर तू अंदर क्यों नहीं आया? लो टूर प्रोग्राम तुमने ही तो बनाया था, तुम भूल गए इसीलिए ये नाराज है। अच्छा ये बात है। और नहीं तो क्या, हमने इंडिया टूर प्रोग्राम अरेंज करके म्यूजिक बैंड बुक किया, और हमने कितनी प्रैक्टिस की। क्या इसने और इसकी दोस्त ने देखा कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है और कब जाना है? क्या ये गलत नहीं है? नहीं देखा तो क्या हुआ?
कुछ नहीं हुआ, तुम आ रहे हो नहीं? अरे आ रहा हूँ ना। मेरी बात सुन सूरज, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये तेरी जिंदगी का पहला टूर है ना? हाँ। है ना? तूने अपनी जिंदगी में कभी ट्रेन या बस के जनरल कंपार्टमेंट में परफॉर्म किया है? नहीं किया। अबे तो ऐसे मुंह फुलाने से क्या फायदा? अरे बोला ना नहीं किया है, तुमको तो ये पता है ना इस तरह की टूर पे जाने के लिए कितनी मुश्किल होती है। 8 बजे का शो है, जाके तैयारियां भी करनी है, पर इससे तो कोई परवाह है ही नहीं ना, सब तो मेरे ऊपर आएगा, तुम पर थोड़ी आएगा। जनरल कंपार्टमेंट से मेरे दिमाग में एक आइडिया है, इसके साथ हम जनरल कंपार्टमेंट में आसानी से जा सकते हैं, इसके साथ ट्रेन में गाना गाएंगे, इसमें बहुत फायदा है, इससे हम काफी पैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में आप लोग सोचो। चाबी दो। ये वाला आइडिया तेरा मस्त। तुम आ रहे हो या मैं जाऊं? अरे बस बैठ गया। अबे आराम से स्टार्ट कर, आराम से करेगा तो स्टार्ट हो जाएगी, इतना टेंशन क्यों ले रहा है यार, आराम से किक मार यार, क्या कर रहा है, आराम से कर, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, समझा? ओके बस बाय। कॉफी खत्म हो गई तुम्हारी? हाँ। आओ। उस बात में इतनी आर्गुमेंट करने की क्या जरूरत थी, आराम से बात कर सकते थे ना। हाँ, जो भी काम आज तुमने किया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो। तुमने कहा था कि वो सब सामान कोई चीज नहीं है, तुम पेंसिल अपने कानों में लगा कर रखते हो और फिर उसी से पेज पलटते हो। आह, कितना डिस्गस्टिंग है। इंसान में टैलेंट होना चाहिए लेकिन उसमें इस तरह का ईगो नहीं होना चाहिए। और कितना टाइम लगेगा बेटा? बस हो गया है मौसी, थोड़ा और। लगता है इसे बनाना ही नहीं आता, इसलिए देर लग रही है। अच्छा ये बताइए, आपका पोता कहाँ है? कहीं काम पर गया है, आता ही होगा। हाँ। मौसी बताइए कैसी है? शक्ल तो उनके जैसी नहीं है, लगता है तुमने किसी और को बना दिया। ये आपके ही पति हैं, 15 साल पुरानी फोटो है ये उनकी, शायद इसीलिए आप इन्हें पहचान नहीं पा रही हैं। ध्यान से देखिए, है ना? बड़े हो गए होंगे। हाँ, अगर आप कहिए तो और जवान बना दूं। यही रुकना, कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हाँ। लकी आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुमने देखा नहीं क्या? हाँ? कैसी अजीब अजीब हरकतें करते हो। क्यों, मैं तो आर्ट बना रहा हूँ ना। अरे वो नहीं, पेंसिल कान में घुमाते रहते हो। पेंसिल से भी प्रॉब्लम है इन्हें। अरे यार कान में खुजली हो रही थी इसीलिए मैंने डाला था इसे। इस पेंसिल से तुम स्केच बनाते हो, तुम्हें इसकी इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम्हें इसकी इज्जत करनी चाहिए कि नहीं? अगर तुम मेरे आर्ट वर्क के बारे में बात करोगी तो मुझे समझ में आएगा। अब तुम ये कहो कि पेंसिल कैनवस ब्रश इन सब की इंसानों की तरह इज्जत करो तो ये मुझसे नहीं होने वाला है। अच्छा सुनो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे हाथ में ये जो किताब है ये सिर्फ किताब है ना, अब तुम इसे भगवान समझो तो गलत है ना ये। ऑफ कोर्स नॉट। देखो किताबों से हम काफी कुछ सीख सकते हैं, किताबें लाइफ बनाती हैं और बिगाड़ती भी हैं। नहीं मैं भी तो देखूं इस किताब में कहां लिखी है इस तरह की बातें। क्या कर रहे हो, थूक क्यों लगा रहे हो पेज पे? थूक लगाए बगैर पेज को कैसे पलटेंगे? मुझे यही करना आता है और सब लोग यही करते हैं। सच कहूं तो मेरे पिताजी ने ऐसा किया होगा, मेरे पिताजी के पिताजी ने ऐसा किया होगा, उनके भी पिताजी ने ऐसा ही किया होगा। अगर मैं आज इस तरह से कर रहा हूं तो कल को जो मेरा बच्चा पैदा होगा वो भी थूक लगा के इसी तरह से किताबें पढ़ेगा। हाँ, समझ गई। मेरे समझाने का कोई फायदा नहीं, तुम्हारे सामने ना किसी की कुछ भी नहीं चलने वाली, जो करना है तो। अब तुम्हें थूक लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बस हो गया ना। ये लो, ये बताओ थूक लगाने से प्रॉब्लम क्या है? नहीं, इस थूक से प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, बताओ बताओ। थूक लगाने के चक्कर में तुम पानी में गिर गई। एक मिनट दे रहा हूँ, जल्दी। एक मिनट दे रहा हूँ, रुको रुको। अरे नहीं, हे भगवान, एक पता नहीं इस पानी में किसने किसने थूका होगा। चले, मेरा हाथ पकड़ो। आ जाओ आ जाओ, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम, आ जाओ। एक बार मैंने ऐसे ही सड़क पर छोटे छोटे बच्चों के साथ कोलकाता की सड़कों पर बहुत एंजॉय किया था। मेरे बचपन की कुछ प्यारी यादें हैं, बहुत मिस करती हूँ। लगता था जिंदगी की गाड़ी कहीं रुक गई, वो अचानक से फिर से चल पड़ी है। थैंक यू। वेलकम। नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो हम ये सब भी बंद कर देते हैं। कल से मैं खाना बाहर ही खा लिया करूंगा। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? जानकी, जाके मेरे रूम की खिड़की बंद कर दो। फातिमा, तुम बहुत ज्यादा बदल रही हो। हमने तो अच्छे दोस्त की तरह अलग होने का फैसला किया है ना? तुम्हें बताने के बाद ही मैंने सारे पेपर्स फाइल किए थे।
लेकिन तब से तुम कुछ अलग ही बर्ताव कर रही हो। देखो ना, कितने दिन बीत गए हैं, तुमने मेरी आंखों में आंखें डालकर ठीक से बात भी नहीं की। फातिमा, मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई है, और शादी से पहले तुम्हें सब कुछ बता भी दिया था, मेरी जिंदगी में क्या क्या हुआ था सब कुछ, और यह भी कहा था कि हमारी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी। तुम्हारे साथ शादी के लिए हाँ कहना ही बड़ी गलती थी मेरी। मैंने कहा भी था कि अलग होना ही हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। मेरे लिए अच्छा रहेगा? दिल से कहो कि ये सब तुम मेरे अच्छे के लिए ही कर रहे हो। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही उन पेपर्स पे साइन किया था, मुझे लगा कि तुम्हें खुशी होगी। तुमने जो कहा सही है, तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। मैंने चैलेंज समझ के तुम्हारे साथ निकाह के लिए हाँ कर दी। तब मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हें बदल दूंगी, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि तुम बदलना ही नहीं चाहते। मेरी सोच ही गलत थी। हम यहाँ वो बिल्ली और फोटोज लेकर आए ताकि तुम्हारी यादें तुम्हारे साथ हो। अकबर, तुम अपनी पुरानी यादों के साथ ही जीना चाहते हो, और मेरे यहाँ रहने से तुम्हें तकलीफ होती है। तभी तो तुम मुझे तलाक देना चाहते हो ना अकबर, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद कर रही हूँ। हाँ, बोलो आलोक। सर, मैं श्री साईं बिल्डर्स के कुछ लोगों से मिला था। उनकी एमडी सिर्फ आज रात ही शहर में है, वो कल दुबई के लिए निकल रही हैं, और वो कम से कम 2 हफ्ते बाद वहाँ से लौटेंगी। अभी वो अपने गेस्ट हाउस में ही हैं। उन्होंने कहा अगर काफी अर्जेंट है तो आज मिल लेते। हम आज ही उससे मिलेंगे, मैं बस 10 मिनट में रेडी हो जाऊंगा। ओके सर, तुम यहाँ आकर मुझे पिक करो। ओके सर। ओके, आ जाओ। सर, मैथ्यूज है, कर्नाटका पुलिस से। लाउड स्पीकर पे डालना। हेलो। हेलो आलोक, जिस केस के बारे में तुमने बताया था, मैंने इंक्वायरी की है, वो एक सुसाइड था। स्टेटमेंट में लिखा है कि जब पुलिस रूम में गई थी तो उसकी मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था किसी कंपाउंड पॉइजन की वजह से मौत हुई है। हमारी टीम ने पॉइजन की बॉटल और कुछ ड्रॉप्स कलेक्ट की। स्पॉट पे हमें इसके अलावा कुछ भी ऐसी सस्पिशियस चीज बरामद नहीं हुई। उसकी माँ का जो स्टेटमेंट था वो भी अनयूजुअल जैसा था। वो अपना रिसर्च पूरा किए बिना ही बैंगलोर अपनी माँ के पास वापस आ गई थी। जब से वो वहाँ से वापस आई थी तब से वो काफी मायूस रहने लगी थी। उसकी माँ का कहना था कि वो घर से बहुत कम बाहर निकलती। ओके ओके। हमने उसके मामा जेपी का भी स्टेटमेंट लिया था। निहारिका की माँ के कॉल करने पर वो इस घटना के एक दिन पहले ही बैंगलोर आया था। उसने बताया कुछ दिन पहले निहारिका का एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। ये सारी चीजें पुलिस इंक्वायरी में सामने आई। पर एक बात साफ है, उसके फैमिली मेंबर्स इस केस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, इसलिए ये केस क्लोज करना पड़ा। ओके मैथ्यूज, अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है। हमारे डॉक्टर ने भी यही बताया था, दोनों की बॉडी में एक ही जहर था। तुमने यहाँ कुछ अजीब बात ऑब्जर्व की? निहारिका की मौत के दिन जेपी बैंगलोर में ही था, लेकिन जब हमने उसे पूछा था तब उसने ऐसा नहीं बताया। क्या आपको ऐसा लगा सर कि वो जेपी हमसे कुछ छुपा रहा है? सिर्फ इतना ही नहीं, एक बात और भी है, मैं बताता हूँ। गाड़ी स्टार्ट करो। तो आप लकी को नहीं जानती हैं, है ना? ऑफिसर, जब आपने अभी उसका नाम लिया तब जाके मुझे पता चला कि वो पेंटिंग लकी ने ही बनाई थी। एक्चुअली वो प्रोजेक्ट हमारी टीम की बहुत बड़ी गलती थी। सच कहूँ तो उस पेंटिंग ने हमें दोबारा सोचने पे मजबूर कर दिया और हमने प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया। आप इस बारे में न्यूज़ में देख सकते हैं, आज वही दीवार शहर की रौनक बन गई है। आप कह रही हैं कि उस दिन तक आपने उसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं की? आशुतोष, ये बैग ले जाओ यहाँ से। ओके मैम। यस, हमारे इंक्वायरी करने से पहले ही ये मैटर टॉकिंग पॉइंट बन गया था, और जैसा कि मैंने कहा, गलती हमारी तरफ से हुई थी, इसलिए उसे सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी थी। जैसा टीवी न्यूज में दिखाया गया है, हमारी फर्म इतना बुरा काम नहीं करती, हमेशा फेयर डील करती है।
और साथ में ढेर सारे सोशल वर्क भी करती रहती है, लेकिन मीडिया को ये सारी चीजें दिखाई कहाँ देती है। वैसे यहाँ से जाने के बाद आप वापस कब आएंगी? मैम, ये जयप्रकाश है ना? हाँ जी। जयप्रकाश को आप कैसे जानती हैं? जेपी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है और बहुत अच्छे वेलविशर भी। जेपी कुछ दिनों के लिए बैंगलोर चले गए थे, इसलिए उनकी बहन भी वहीं सेटल हो गई। हमारी मुलाकात वहीं हुई थी। आप भी बैंगलोर में रहती थी? हाँ जी, मैं भी पहले वहीं रहती थी। यहाँ का इंचार्ज मेरा एक पार्टनर था, मुझे उससे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपका वो पार्टनर जेपी था? ऐसा नहीं है, वो बस मेरे एक अच्छे दोस्त और वेलविशर है, बस इतना ही। ओके मिस साई प्रिया, थैंक्स फॉर योर टाइम। वैसे आपको तकलीफ हुई हो तो सॉरी। नो वरीज एट ऑल, मुझे वापस आने में एक महीना लग जाएगा, इसलिए मैंने आज मिलने को कहा था। ओके। जेपी से इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। उसने जो कुछ भी बताया उसमें कुछ गलत नहीं है। ये लो। सिगरेट चाहिए? नहीं सर। क्यों? वैसे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सर, आपने जो डायरी में पढ़ा और इस केस को देखकर मुझे भी लगता है कि जयराम सर बिल्कुल सही कह रहे थे। मुझे अब डर लगने लगा है। जब से मेरा बच्चा घर में आया है, वो जरा भी रोता है या कभी उदास हो जाता है तो उसे देख के बहुत दुख होता है। अगर उसे जरा भी चोट लगती है या जरा भी दर्द होता है तो फिर हम दोनों ही ना जाने क्यों परेशान से हो जाते हैं और फिर हम दोनों डर जाते हैं। फिर ये जेपी जैसे लोग उसी खून के रिश्ते के साथ गलत कैसे कर लेते हैं समझ नहीं आता। अगर बच्चे के साथ कुछ गलत हो तो पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए ना। सर, आपने जेपी की लिखी हुई बुक पढ़ी है क्या? अपने आप को देवता बताता है इसकी तो। उसे बाद में देख लेंगे, अभी चलो। ठीक है, कल मिलते हैं। सर, इस केस को जल्दी खत्म कीजिए। वो वक्त अभी नहीं आया है। वैसे गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है, पता नहीं ये डायरी खत्म करते करते कोई नया कैरेक्टर कहानी में ना आ जाए। चलो हम कल उससे फिर से मिल लेते हैं, अभी तुम घर चले जाओ। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट। लकी, तुम्हारी तरह लोगों की जिंदगी भी एक खुली किताब है। तुम्हारी ये सोच गलत है, तुम्हें इसे बदलना होगा। तुम्हें अपनी प्राइवेसी की वैल्यू करनी चाहिए। जब मेरी मॉम ऐसा करती हैं तब भी मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारी डायरी में हमारी प्राइवेसी होती है। डायरी पढ़ने के बाद तुम्हारे चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, इसे भी बदलो। कांच लग जाएगा, मैं साफ करती हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कहा ना मैं करती हूँ। हटो हटो। तुम यहाँ कब आए? मैं सो गई थी, तुम लेट आने वाले थे ना। मैं अभी आया, देखा तो दरवाजा खुला था। वो अपना सूरज बैंड खोल रहा है तो उसी की प्रैक्टिस में जा रहा हूँ, उसने बुलाया है। फ्री हो तो तुम भी चलो। कभी चलना हो तो अभी चलो। ठीक है। ओके। जब उन लोगों के पास कोई काम नहीं था ना, हाँ, तो उन लोगों ने एक गाना बनाया था कॉकरोच, इसी से बैंड का नाम भी पड़ गया। उन लोगों का घर कहाँ है? वो आज का बर्थडे बॉय था ना, रोहन। हाँ। सुरभि और रोहन दोनों अनाथ आश्रम में ही पले बड़े हैं। जब मैं उनके साथ घूमता था तो शिव सर मुझे यहाँ लेके आए थे। उनमें काफी टैलेंट है,
तभी तो उनकी फैन फॉलोइंग है। तुम्हें पता है कल वो टूर पे जा रहे हैं बैंड परफॉर्म करने के लिए। अच्छा वैसे वो रोहन ना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। उसे बुरा इंसान मत समझो यार, वो बहुत अच्छा लड़का है। मेरी तरह उसकी भी कोई फैमिली नहीं है, लेकिन हम खुश हैं। अच्छा उसके गले में वो की रिंग कैसी थी? काफी ध्यान दिया तुमने उस पे, वो हमारे घर की है। एक उसे दी है कि वो कभी भी यहाँ आके आराम कर सके। और मजे की बात तो ये है कि जब से मैंने उसे की दी है ना, वो कभी यहाँ आराम करने आया ही नहीं। ओके गुड नाइट। सुनो जरा मेरे रूम में आना, मुझे कुछ काम है। हाँ सच में? तुमने मेरी डायरी पढ़ी है ना? हाँ पढ़ी है, लेकिन मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई। मारूंगी तुम्हें, डायरी में पर्सनल चीजें होती हैं, उसे हर कोई नहीं पढ़ सकता। अगर ऐसा किया ना तो ठीक है बाबा, नहीं पढ़ूंगा। अब हम अभी ही तो अच्छे दोस्त बने, धीरे धीरे और चीजें शेयर करेंगे, पर इस डायरी की वजह से दोस्ती खत्म नहीं होनी चाहिए। जब मुझे भरोसा हो जाएगा कि तुम उस डायरी को पढ़कर समझ सकते हो तो मैं खुद तुम्हें वो दूंगी। तुमने जो अभी कहा बिल्कुल सही कहा। क्या? हमें हर चीज शेयर करने की आजादी होनी चाहिए। तो क्या? तो ये है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ सोने, और आज तुम्हें ये बेड मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा। ऐसे इधर आओ। चलो भी आओ। चलो आओ ना, उठो। तुमने कहा था ना तुम्हें नींद आ रही है। नींद चली गई, सच कह रहा हूँ। कहीं नहीं भागने वाली, अब तुम जाओ और जाकर सो जाओ। गुड नाइट। ओके चलो, पीस पीस, बाय। हे गुड नाइट। मैडम मैडम मैडम, देखिए ना सर को कुछ हो गया है। उठिए मैम, जल्दी चलिए। हुआ क्या? चलिए ना। चलो भगवान, चलिए। क्या हुआ तुम्हें? बेटी पता नहीं क्या हो गया, अचानक गिर पड़े, फिर मैंने चेहरे पे पानी छीटा तो होश में आए। क्या हुआ बताओ ना। जब हम यहाँ आए तभी सब साइकिल चलाने को गए थे। लकी बताओ ना क्या हुआ? अभी 10 मिनट पहले की बात है, मैं पौधों में पानी डाल रहा था, तभी ये अचानक साइकिल से आए और पता नहीं कैसे बेहोश होके गिर पड़े। लकी व्हाट हैपेंड, आर यू ओके? हां, क्राउड में एक आदमी ने पेड़ से लटक कर फांसी लगाई है, मैंने वो देखा तो घबरा गया, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, वहां काफी लोग इकट्ठा थे। सो गए क्या? ऐसा कई बार हो चुका है, जब से इनकी माँ की मौत हुई तब से ये बहुत डरे रहते हैं, इसलिए शिवा सर हमें यहाँ लेकर आए। आंटी है आपके पास शिवा अंकल का नंबर है? नंबर शायद उनके पास होगा, मैं देखती हूँ। नेक्रोफोबिया मतलब मौत या मौत से संबंधित अंतिम यात्रा, जैसे कि किसी समाधि या चिता या लाश को देखकर अचानक आपके अंदर पैदा होने वाला एक प्रकार का डर, किसी भी साधारण घटना को देखकर घबरा जाना, ये सब इसी फोबिया के लक्षण हैं। अगर लकी ये सब देखता है तो वो अक्सर बेहोश हो जाता है, उसे सांस लेने में परेशानी होती है और पैनिक अटैक्स आते हैं। ये फोबिया कोई नॉर्मल फोबिया नहीं है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। इस डर को दिमाग से बाहर निकालने के लिए आजकल कई ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। इसी डर को बाहर निकालने के लिए मैंने उसे आर्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया था। उसे ड्राइंग करना बहुत पसंद था, कई मरीज इससे ठीक हो चुके हैं। कला इंसानी दिमाग को बदलने की बेस्ट थेरेपी है, दैट्स साइंटिफिकली प्रूवन। लकी के केस में हमने ऐसे ही किया, उसकी मम्मी की मौत के बाद हमें लगा कि वो ठीक हो जाएगा। असल में वो सिर्फ नेक्रोफोबिया का ही शिकार नहीं है, वो टेनेटोफोबिया से भी जूझ रहा है। इट्स कॉल्ड डेथ एंजाइटी। अपनी मॉम की मौत देखकर लकी के दिमाग में ये डर बहुत बुरी तरह से समा गया है, और ये कंडीशन ऐसी भी नहीं है कि ठीक ना हो, बट इट विल टेक टाइम। तुम्हारे अंदर का डर देखकर मैं भी काफी घबरा गई थी लकी, मैं उम्मीद कर रही थी कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। लकी आज तुमने जो भी किया ना वो सच में बहुत डरावना था।
जो सीक्रेट्स मैं अपनी मॉम से शेयर नहीं करती वो तुमसे किए, और वो तुम सबको बता रहे हो। ए, तुम जाकर गाड़ी ले आओ, मैं यहीं पर रुकती हूँ। मैंने यहीं पास में ही पार्क किया है, चलो चलते हैं। मैंने वहाँ पार्क करने से मना किया था ना, वहाँ कोई और गाड़ी नहीं थी। हाँ, मैं इतना भी अमीर आदमी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें फिल्म भी दिखाऊँ और पार्किंग के पैसे भी दूँ। यहीं पास में ही पार्क किया है, चलो चलते हैं ना, क्या दिक्कत है तुम्हें? 5 रुपए के लिए इतनी बहस? 10 फिल्में देखेंगे तो 50 रुपए हो जाएंगे। पर अभी तो एक ही फिल्म देखी ना, बाकी की बाद में देखेंगे। देखो, मैं अब और नहीं चल सकती, मुझे बहुत भूख लगी। तुम्हें भूख लगी है ना? चलो, कहाँ? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है खाना खाने का, आ जाओ। लेकिन क्या कर रहे हो, ये कैसी जगह है? हाँ, चलो बैठो ना। ये तो मुझे कोई शादी की पार्टी लगती है। मुझे नहीं पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, मुझे भूख लगती है तो मैं यहाँ खाना खाने आ जाता हूँ। फ्री में खाना मिलता है, वो भी कमाल का। अच्छा, खाना खाओ और हंसते हुए निकल जाओ। लकी, कुछ प्रॉब्लम हो? कुछ गई नहीं तो? होगा, मैं खाना लेके आता हूँ। 2 प्लेट देना, ये लो खाओ। इसके साथ कुछ फ्राई चीजें नहीं है क्या? यहाँ हम अपनी पसंद का नहीं खा सकते, जो मिल जाए वो चुपचाप खा लो। मस्त है। तो फिर पेट भर के खाओ। लकी, मामा सामने खड़े हैं। क्या करें? अरे जाने दो ना। लकी, वो इसी तरफ आ रहे हैं। नेहा, मुझे तुमसे बात करनी है, सिर्फ तुमसे। कोई बात नहीं, मैं बात करके आती। नेहा, तुम ये क्या कर रही हो? उसके साथ क्यों घूम रही हो? आपसे ज्यादा मैं उसके साथ सेफ हूँ। जरा एक पैक बनाना। मैंने अब तक तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं बताया। हाँ तो बताना है तो बता दो, मैं भी उन्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम उसे नहीं बता सकती। बस अब सोचते रहो, अब मुझे कोई डर नहीं है, ध्यान रखना। तुमने इसे कुछ बताया? क्यों, क्या हुआ? मैं तुम्हें छोड़ो मुझे। नहीं, मेरी बात सुनो। छोड़। दोबारा इसे हाथ मत लगाना। तू कौन है? ये हमारा फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर है तो घर में सुलझा, लेकिन इसे हाथ मत लगाना। जब तूने इसके साथ गलत किया ना, तब ये बच्ची थी। लकी, चल चलो यहाँ से। बताने दो ना, इसकी सच्चाई सबको पता चलनी चाहिए। चुप। तूने सिर्फ इसकी जिंदगी बर्बाद किया या फिर और भी बच्चियों की? लकी, प्लीज चलो ना, प्लीज यहाँ से चलो। नेहा, जिसकी भी बेटियाँ, इसको घर में घुसने मत देना। चलो, ये दरिंदा है, दरिंदा। लकी, प्लीज। नेहा, एक बात समझ लो, हर इंसान तुम्हारी तरह एक खुली किताब नहीं होता। लकी, जिस अतीत को मैं भुलाना चाहती हूँ, आज तुमने सबके सामने उसका तमाशा बना के रख दिया। तुम जानते भी हो इस बात से मुझे कितना दुख पहुंचा है। नेहा, इतना सब हो जाने के बाद मैं उसके साथ कैसे नॉर्मली बिहेव करूं समझ नहीं आया। मैंने जो कहा वो गलत नहीं कहा, सब कुछ तुम अच्छी तरह से जानती हो, उसके बाद भी कह रही हो कि मैं उसके साथ नॉर्मली बिहेव करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? आज अगर तुम मुझे वहां से लेके नहीं आती तो उसको मैं वहीं सबके सामने मारता।
उसकी सच्चाई जानने के बाद मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और मैं इसकी परवाह भी नहीं करता। तुमने देखा ना तुम्हारे साथ उसने क्या किया। लेकिन जब मैंने वो सब देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की? वो क्या कोई भी तुम्हें मेरे सामने हाथ नहीं लगा सकता है। मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं नेहा, तुम यहां हमेशा रहने के लिए नहीं आई हो। लेकिन आज उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मुझे कंट्रोल ही नहीं हुआ। लेकिन एक बात जान लो, इस दुनिया में तुमसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे पता इस तरह से नहीं कहना चाहिए, तुम बाथरूम में हो और मैं ये सब बोल रहा हूं। लेकिन मुझे इस तरह से बोलना बहुत सेफ लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं फर्स्ट लवर हूं जो अपनी गर्लफ्रेंड को बाथरूम में प्रपोज करूंगा। लेकिन ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। सच कह रहा हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम नहीं हो तो फिर मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। मेरा कोई वजूद नहीं। मैं पेंटिंग करूंगा और तुम रिसर्च करना। इसी तरह से हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी काट लेंगे और हमारे बच्चे थूक लगा के पेज पलटेंगे। ये देख के मैं खुश होऊंगा। तुम समझ रही हो ना, आई लव यू। तुम जल्दी से नहा के बाहर आओ, मैं यहीं बैठा हूं। तुम्हें कम से कम आंटी की उम्र के बारे में तो सोचना चाहिए था ना। पता नहीं वो बेचारी क्या सोचेंगी। ये फूल किस लिए, किसके लिए लाया हो? ये मैं माली से सस्ते में खरीद के ले गया हूँ। ऐसा है क्या? चाहिए मुझे नहीं चाहिए। अरे लो ना, रहने दो, जाओ। नहीं चाहिए। तुम्हें पसंद है ना? तो ये फूल प्रपोज करने के लिए आए हो? हाँ। हाँ? हम शादी कर लें क्या? जरूरी है क्या? मुझे तो जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया वालों के लिए। हाँ। लकी, मुझ जैसी लड़कियों के बड़े एक्सपेक्टेशंस होते हैं, खासकर लव और रिलेशनशिप के बारे में तो ज्यादा। जैसी मैंने उम्मीद की थी, तुम्हारा प्रपोजल उतना अच्छा नहीं था। अच्छा होता अगर उसमें कुछ एक्साइटमेंट और ड्रामा होता। ये थोड़ा और रोमांटिक और ठीक से हो सकता था। तुम कोई सुपर हीरो नहीं हो, पर मैं चाहती हूँ तुम बन जाओ। अगर तुम मुझे एक आर्टिस्ट बनाना चाहते हो तो ये सपना कभी सच नहीं हो सकता। उस सपने के बारे में तो तुम भूल ही जाओ। इस बात से तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे तुम्हारे अंदर के आर्टिस्ट से नफरत है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर के इंसान से प्यार करती हूँ।
लकी, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी दुनिया तो यही है। आंटी और अंकल से मजाक करता हूँ, दिन भर यहीं पे पेंटिंग्स बनाता रहता हूँ और इसी में मुझे खुशी मिलती है। तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम कभी भी मुझे छोड़ के जा सकती हो। पर मैं कहाँ जा सकती हूँ? तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊँ? तुम्हारे पास जाने के लिए कई जगह हैं। बैंगलोर जा सकती हो या फिर कलकत्ता भी जा सकती हो अपने डैडी के घर। तुम्हारा रिसर्च यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ तो विदेश भी जा सकती हो। मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी दुनिया तो यही है। पर मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही खुद को सेफ फील करती हूँ, और कहीं नहीं। मुझे लगता है पूरी प्लानिंग करके प्यार किया है मुझसे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है लकी। प्लानिंग करके तो किसी से प्यार नहीं होता, प्यार कब हो जाता है ये हमें पता ही नहीं चलता। पर तुम्हारा काम देखकर मुझे ऐसे लगा था कि हाँ, हमारे बीच ऐसा कुछ हो सकता है। और देखा, मेरी इंट्यूशन हमेशा सच होती है। जैसे ही तुम मुझे प्रपोज करने के लिए आए, मैं पहले से ही तुम्हें हाँ कहने के लिए तैयार थी। ऐसा है क्या? हाँ, सच कह रही हो? जरा एक मिनट रुको। क्या, कहाँ जा रहे हो? रुको तो। ये क्या है? ये मेरी माँ का है। वो ये चाहती थी कि मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूं, क्योंकि ये लकी है। क्या हुआ मास्टर? हाँ, अरे बेटा, एक कॉफी हो जाए। हाँ। कड़क वाली। सुनो, तुम यहाँ मजे से अपने घर में बैठे हो, पता है सलोमी और मार्टिन क्यों नहीं आ रहे? और हाँ, पता है मौसी के साथ क्या हुआ है? क्या हुआ मास्टर? हाँ, अब तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है ये बताने के लिए कोई बाहर वाला आएगा? नीचे आओ, चलो आओ जल्दी। हाँ। बेवकूफ कहीं का, घर खरीदने वाले आ रहे हैं, हम बेघर हो जाएंगे। वो कोर्ट से ऑर्डर भी लेकर आए, बताओ हम कहाँ जाएंगे? तुम्हें उस कंपनी वाले और लड़कों से बात करनी चाहिए, हो सकता है सब ठीक हो जाए। पहले तो वो लोग तैयार हो गए थे, पर पता नहीं अब क्या हो गया। पता नहीं अब राज अम्मा का क्या होगा, उनका पति चला गया। उन्होंने 10-12 साल उसका इंतजार किया। इस कॉलोनी में घर के अलावा उनका कुछ भी नहीं है। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। ये सुनने के बाद उन्होंने हॉस्पिटल आने को कहा था। वो घर मेरे पति ने बनाया था, वो वापस आएंगे तो मुझे वही ढूंढेंगे। कोर्ट के ऑर्डर से कल वो लोग कॉलोनी खाली कर देंगे। सारी तैयारी हो चुकी थी, पर तभी मौसी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। कैसे हुआ ये? हमने आवाज सुनी, जब तक हम वहां पहुंचे उससे पहले वो कुएं में कूद पड़ी। हमें लगा वो बचेगी नहीं। उनके गिरते ही हम भी कुएं में कूद गए। उनके बाल थोड़े दिख रहे थे, वही पकड़ के बाहर निकाला। मनमानी नहीं चलने देंगे। लकी, जरा सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो, अगर तुम इन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो अपने फ्रेंड्स से कहो। तुम ऑलरेडी इतने डिस्टर्ब हो, तो प्लीज हम लोग चलते हैं ना। मेरी चिंता मत करो, आई एम ओके।
तुम इतना क्यों डर रही हो? तुम्हारी वजह से मैं डर रही हूँ। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम इन लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, पर यहाँ रहकर भी तुम इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। इस बात को तुम्हें मानना ही पड़ेगा लकी। तुम चाहती हो ये एक्सेप्ट करके मैं जाके घर में बैठ जाऊं, और तुम चाहती हो मैं बकवास पेंटिंग बना के अमीरों को बेच के खूब पैसा कमा करके किसी अमीर लड़की से जाके शादी कर लूं, खूब नाम कमा लूं और उसके बाद अपनी जिंदगी एक राजा की तरह बिताऊं। फिर तुम्हारा क्या होगा? हा? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम खुद को भुलाकर भी पहले की तरह नहीं जी सकते। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। मैं ये सब तुम्हारे साथ खुश रहने के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा आर्ट तुम्हारी जिंदगी नहीं बचा सकती लकी। तुम समझती क्यों नहीं कि तुम कोई भगवान या सुपर हीरो नहीं हो? I know. जब मैं छोटा था तो शिव सर ने मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया। जब मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई तो आंटी ने माँ का फर्ज निभाया। जो कुछ भी हूँ मैं इनकी वजह से हूँ। इन सबकी दी हुई मेरी लाइफ है। इन सबको मैं भूल जाऊं ऐसा मुझसे हो ही नहीं सकता है। अपने बारे में सोच के मैं स्वार्थी नहीं बन सकता। तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो, पर इस सबकी जिम्मेदार सिर्फ तुम रहोगे और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है लकी। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी और मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पता है मुझे इन सबके पास सिर्फ एक दिन है और इनके लिए हम कुछ कर सके उसके लिए हमारे पास एक रात। सारे टेस्ट लैब में भेज दो। ओके सर। अभी उसे होश आ गया, घबराने की बात नहीं है, बस माइनर इंजरीज हैं। वैसे हुआ क्या था? लकी ने कहा कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और मैंने कहा कि बाइक रोको और तभी हमने उसे इंजेक्शन दे दिया है, अभी आराम करने दो। लकी को एक्चुअली नेक्रोफोबिक है तो कभी कभी उसे इस तरह की प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। आज रात उसे हमारे ऑब्जर्वेशन में रहने दीजिए, कल हम उसका स्कैन करेंगे, रिपोर्ट के बाद ही डिसाइड करेंगे क्या करना है। ओके। लकी, ये हर चैनल पर एक ही न्यूज स्क्रॉल हो रही है। उन लोगों ने बात करने के लिए बुलाया होगा या नहीं, पता नहीं क्या चल रहा होगा कॉलोनी में। कल मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, फिर मैं कहीं नहीं गई। रूम में सोने से थकान होती है यार, और बाहर ठंड होती है और आवाजें आती हैं। मेरा सर दर्द से फट रहा है। वो लोग यहाँ ज्यादा देर रुकने नहीं देंगे। देखो, अगर तुम रिलैक्स करना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ।
हम उन्हें बिना बताए वहां से निकल जाएं। क्यों, कल दोपहर तक की तो बात है, फिर हम लोग निकल जाएंगे। लकी की स्कैन रिपोर्ट्स आ गई? रिपोर्ट अभी नहीं आई मैम, आप डॉक्टर से मिल लीजिएगा। डॉक्टर अपने केबिन में। ओके, थैंक यू। क्या इस फोबिया के अलावा भी लकी को कोई फिजिकल या मेंटल इशू है? कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं है उसे। उसे तो एक्सरसाइज करना भी पसंद है, जैसे साइकिलिंग, जॉगिंग, मतलब वो फिजिकली तो काफी फिट है। डू यू फाइंड एनी सिम्टम्स ऑफ माइग्रेन? इसके अलावा मेमोरी लॉस, ऐसा कुछ महसूस किया? इस फोबिक अटैक के वक्त उसके सामने अंधेरा छा जाता है, पर इसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह है डॉक्टर सुदर्शन, हमारे हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स में से हैं। पेशेंट का नाम देखकर ही इन्हें पता चल गया था। लकी की माँ का इलाज भी इन्होंने किया था। वी फाउंड समथिंग इन स्कैन, सेकेंड ओपिनियन के लिए ही डॉक्टर सुदर्शन को बुलाया है। क्या हुआ डॉक्टर, क्या पता चला आपको? लकी, तुमने मुझे खुद से दूर क्यों किया? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम जी पाओगे? तुमने कहा था हम साथ बारिश में भीगेंगे, और अब तुमने मुझे बारिश में अकेले छोड़ दिया। आज 10 दिन हो चुके हैं। मैंने कई बार सोचा कि वहां हूं, पर सोचा कि अगर तुमने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए तो मैं उसी पल मर जाऊंगी। तुम यहां, मुझे तुम्हें गले लगाना है। मैं तुम्हें अपने दिल के करीब रखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम आओगे। I'll be waiting, missing you like hell, नेहा। किटी, सर, किटी, सर, 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 वो किटी, 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 मैडम, किटी की मौत हो गई। पता नहीं उसे क्या हो गया था। रात तक तो बिल्कुल ठीक थी। पहले जरा फातिमा हॉस्पिटल चल लो। जी सर। वहाँ पर कोई डॉक्टर फ्रांसिस है, हमें उनसे मिलना है। ओके सर। तुमने मेरा मैसेज पढ़ा था क्या? हाँ पढ़ा। ओके, तो उस बैंड का पता चला? सर मैंने उन्हें कांटेक्ट किया था। उन्होंने बताया कि वो लोग अपना टूर कैंसिल करके वापस आ रहे हैं।
वो लोग जल्दी आ जाएंगे। मैंने उन्हें कॉन्टेक्ट करने को कहा है। ऐसा लग रहा है आप रात भर डायरी पढ़ते रहे। पूरी पढ़ ली। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिला? नहीं, अभी तक तो कुछ मिल नहीं पाया है। केस अभी भी अनसॉल्व है और शक कई लोगों पर है। लकी के बारे में मैंने पेपर में पढ़ा, पर निहारिका, इट वॉज अ शॉक सर। बताइए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? लकी और निहारिका यहाँ पर आए थे। आप बता सकते हैं उस दिन क्या हुआ था? वो दोनों यहाँ एक एक्सीडेंट की वजह से आए थे। ये बात हम सबको काफी लेट पता चली कि लकी की माँ को सेरेब्रल कैंसर था और तब उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने का हमारे पास वक्त ही नहीं बचा। तो उसके बाद क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली वैसा ही बेटे के साथ हुआ है। सच कहा जाए तो लकी का दर्द उसकी माँ से ज्यादा है। ऐसे केस में सिम्टम दिखाई दे जाते हैं। आज जो हुआ उसका कारण उसका फोबिया था, इग्नोर करना चाहिए था। आई मेंट व्हाट हैपेंड यस्टरडे। मुझे ये कहने में बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन मैं सच्चाई नहीं छुपाता, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इन बीटिंग अराउंड द बुश। हम कुछ और टेस्ट्स कर सकते हैं, लेकिन डायग्नोसिस से सारे रिजल्ट सेम ही आने वाले हैं। नॉट टू सजेस्ट फॉर द ट्रीटमेंट, एम आई राइट डॉक्टर? यस सर। क्या हम सच्चाई उसे? नहीं, अब भी रहने दीजिए। ठीक है, उसकी मेंटल कंडीशन को देखकर मैं भी यही सजेस्ट करने वाला था। एटलीस्ट जब तक पेन फील नहीं होता तब तक तो वो चैन से जी सकें। हम उसे कल डिस्चार्ज कर देंगे और बाकी की रिपोर्ट्स भी दो दिन में आ जाएंगी, और उसके बाद ही वी शैल डिसाइड द फर्दर स्टेप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कैंसर की बात सामने आई है। उसके बाद लकी और निहारिका यहाँ वापस आए थे? लकी उसके बाद कभी नहीं आया। निहारिका दो तीन बार वो लकी की रिपोर्ट्स लेने आई थी, पर एक बार लकी का एक दोस्त उसे ढूंढने यहाँ आया था। डॉक्टर सुदर्शन उसे जानते थे, हमने उसे लकी के बारे में सब बताया था। उसका नाम क्या था? मिस्टर शिवा। ओके डॉक्टर। ओके, अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको कॉल करेंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू, वेलकम। अभी सारे फैक्ट्स क्लियर हो चुके हैं सर। सिर्फ लकी और निहारिका को ही पता था कि लकी मरने वाला है। मुझे लगता है कि इसी सदमे की वजह से निहारिका ने सुसाइड कर लिया होगा, और इसी बीमारी के डिप्रेशन में आकर लकी ने भी आत्महत्या कर ली होगी। सर, इन सब कंडीशंस को देखकर क्या हम लोग सुसाइड की पॉसिबिलिटी को इग्नोर कर सकते हैं? लकी के पास सुसाइड करने का कोई सॉलिड रीजन तो नहीं दिख रहा है, और उसके इस फोबिया के बारे में डायरी में लिखा भी था। जो इंसान मौत से इतना डरता है वो सुसाइड तो नहीं कर सकता। नहीं, मुझे लगता है हम कुछ पॉइंट मिस कर रहे हैं। क्या है ना सर, अगर हम उस जेपी को दो चार डंडे लगाते हैं तो वो पक्का कुछ ना कुछ बताएगा। अरे भाई, उसने सिर्फ निहारिका के साथ गलत किया, बाकी उसके खिलाफ और कोई केस नहीं बनता है। और उसे रेपिस्ट बताकर हम उसे कस्टडी में तो बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि समाज में उसका रुतबा अच्छा है। तो बेहतर है हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके? लकी, तुम मुझे यहाँ से क्यों भेज रहे हो? तुम्हें पता मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम जी पाओगे? तुमने कहा था हम दोनों बारिश में साथ भीगेंगे, और उसी बारिश में तुमने मुझे अकेले छोड़ दिया। La 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 la
रही जिंदा। सर चाय। हाँ। कुछ खाने के लिए लाऊं सर? नहीं नहीं बस। हाँ। अच्छा शिवा के बारे में तुम्हें कोई बात पता? हाँ, मैंने उसकी इंक्वायरी की थी। हाँ। लगता है वो निहारिका और लकी की मौत से पहले ही किसी यात्रा पर निकल गया था। हमने उसे कॉन्टैक्ट किया था पर वो नॉट रीचेबल था। ऐसा पता चला कि वो यात्रा पर अक्सर जाता रहता है। हेलो। हाँ कहाँ हो तुम? सर वो बैंड वाले लड़के इसी रास्ते से वापस आ रहे हैं, बुलाऊं क्या? तो बुला लो उसको। जब हमने लकी के बारे में सुना तो सोचा टूर कैंसिल कर देते हैं सर। रोहन ने लकी के बारे में बताया पर निहारिका के बारे में अभी सर से पता चला। ये रोहन कीबोर्ड प्लेयर है ना? हाँ सर। तुम लोगों के साथ टूर पर क्यों नहीं आया? वो जरूर आता पर बीच में ही उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हमने उसे उसी वक्त यहाँ वापस भेज दिया। तुम्हारा मतलब रोहन उस समय यहीं पर था? हाँ सर, यहाँ पर था लेकिन हॉस्पिटल में था क्योंकि उसके घर वालों ने उसे एडमिट किया था। रोहन ने कुछ बताया कि वो लकी और निहारिका से कभी मिला था? नहीं सर, पता नहीं। लकी जब हॉस्पिटल में था तभी रोहन और सभी दोस्त उसका ख्याल रखते थे क्योंकि वो हमारे बैंड के लिए फंड अरेंज कर रहा था, पर पता नहीं क्यों हॉस्पिटल से आने के बाद लकी फिर कभी प्रैक्टिस में नहीं आया। असल में रोहन का निहारिका से परिचय नहीं था इसलिए रोहन का उससे मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता सर। ठीक है, जाओ अपना काम करो। हाँ, और लकी की बॉडी लेने अब तक कोई आया नहीं है, तो अगर तुम लोगों को कोई क्लेम करना हो तो आलोक को कांटेक्ट कर लेना। ओके सर। अच्छा सूरज, तुम्हारे पास लकी के घर की कीज हैं? हाँ। तो वो मुझे दे दो। की सर, की एक्चुअली रोहन के पास रहती है, वो उसे अपने गले में लटका कर रखता है। सर आपको नहीं लगता कि हमें इन पर थोड़ा सा और प्रेशर बनाना चाहिए? नहीं, उसका तो कोई फायदा नहीं होगा। और वैसे भी मुझे क्राइम का कोई खास मोटिव नजर नहीं आ रहा है, और ये जो निहारिका की आत्महत्या और लकी की मौत में जहर का सेम होना, जब हम इसके पीछे की वजह पता लगा लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसके पीछे वही शख्स हो सकता है जो दोनों जगहों पर जा सकता था, दोनों के बहुत ही करीब था और जो दोनों की पूरी डिटेल्स रखता था। जिसकी वजह से मेरी भांजी ने सुसाइड किया, उस बदमाश के बारे में आप मुझसे सवाल करने आए हैं? ए आलोक, आइंदा मेरे सामने निहारिका को अपनी बेटी या भांजी मत कहना समझे। उसने अपनी डायरी में तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। हम उसकी पूरी डायरी पढ़कर ही आए हैं। कोई हैवानी ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है, तुझे डूब मरना चाहिए। तेरी तो आलोक, बस हो गया, तुमने देख लिया ना जेपी, अब तो सच्चाई बता दो या फिर हम अपने तरीके से इंक्वायरी करें। मेरी लाइफ बर्बाद मत करना, मैं सब बताता हूँ। निहारिका के साथ मैंने गलत किया था और उसके लिए मैंने उससे माफी भी मांगी थी, लेकिन उसने मुझे माफ नहीं किया। बट आई वॉज ए चेंज्ड मैन। चेंज्ड मैन और तू, इसी वजह से उन दोनों को मार दिया है ना? मेरा यकीन करो, जब वो नेहा को साथ लेकर चला गया तब मैं उसकी मौत की दुआ करता था, पर मैंने कुछ किया नहीं। एंड हाउ कुड यू इवन इमेजिन दैट आई हैव डन दिस। इससे बात करना तो बेकार है। चलो जेपी, एक बात याद रखना, तुम्हें गुनाहों की माफी तो कभी नहीं मिलेगी। मुझे तुम्हारी ताकत के बारे में और तुम्हारे पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होगा। बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं किया। वन लास्ट क्वेश्चन मिस्टर जेपी। यस। इस बार सिर्फ सच ही बोलना, निहारिका की मौत के बाद क्या तुम कभी लकी से मिले थे? और एक बात क्लियरली बता दो कि निहारिका की मौत जिस दिन हुई थी तब तुमने लकी को कहीं देखा था? नहीं तो, मैंने लकी को आखिरी बार रिसेप्शन पार्टी में ही देखा था। चलो। उसे मारना चाहिए था सर। अभी वो समय नहीं आया। वो
मुझे बिल्कुल यकीन है कि इसी ने उसे मारा होगा। अभी ये बात क्लियर तो नहीं हुई है। हाँ, अगर इन दोनों की मौत का कारण एक ही है तो हमारा पहला शक जेपी पर जाता है, क्योंकि इनकी मौत के पीछे उसके पास बड़ा मोटिव था। लेकिन हमारे पास अभी ऐसा कोई सबूत नहीं है कि हम उसे खूनी मान लें। जब तक सबूत नहीं मिलता तब तक वो सेफ है। अब सर अगला स्टेप क्या है? अभी हम शिवा और कॉलोनी के लोगों से बात कर लेते हैं, उसके बाद ही कुछ डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, ओके ओके सर, अभी मैं चलता हूँ। गुड नाइट। हाँ बैठी रहो। उस कमरे में अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए यहाँ चली आई। आज जानकी भी काम पे नहीं आई तो अजीब सा लग रहा था। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। जरूरत नहीं है, तुम बैठी रहो। क्या तुम मुझसे अभी नाराज हो? मुझे नहीं पता अकबर। क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों हो? जयराम सर हमेशा कहते हैं कि हमारे पास हर सवाल का जवाब नहीं होता है। एक पुलिस वाले के लिए इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। मुझे तुमसे एक जवाब चाहिए फातिमा। तुमने वो आर्टिस्ट लकी की मौत के बारे में तो सुना होगा ना? हाँ मैंने पढ़ा था। पिछले 3 महीनों से निहारिका नाम की एक लड़की उसके साथ रहती थी। लकी की मौत से 1 महीने पहले उसने बैंगलोर में सुसाइड कर लिया। वैसे लकी की लाइफ में बस कुछ ही लोग आए थे, लेकिन उन सभी के आने की अलग अलग कहानियां और अलग अलग कारण भी हैं। लेकिन प्रूव करने के लिए कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। वो ये लोग भी हो सकते हैं और कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है। हो सकता है निहारिका चाहती रही हो कि लकी की मौत बिना किसी तकलीफ के हो। उसके बारे में सुन के लगता है निहारिका स्ट्रांग रही होगी। वो कभी नहीं चाहेगी कि लकी की मौत किसी फोबिया या बीमारी से हो। ग्राउंड में एक आदमी ने पेड़ से लटक कर जान दे दी। मैं उसे देखकर परेशान हो गया। वहां बहुत लोग भी इकट्ठा थे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। असल में वो सिर्फ नेक्रोफोबिया का ही शिकार नहीं है, वो टेनेटोफोबिया से भी जूझ रहा है। इट्स कॉल्ड डेथ एंग्जायटी, मौत का खौफ। जहर मुंह के रास्ते शरीर में गया है और यही मौत का कारण है। जरा देखता हूँ कहाँ पे इस तरह की बातें लिखी हुई हैं इसमें। ये थूक लगाकर पेज मत पलटो। बिना थूक लगाए पेज कैसे पलटा जा सकता है? मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उस वक्त इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पर रिसर्च कर रही थी। केमिस्ट्री में बिल्कुल कियोस्टिक सिस्टम की तरह। जब हम लोग यहाँ पर आए थे ना, ये रूम उसका परफेक्ट एग्जाम्पल था। ये गिफ्ट और ये लेटर पढ़कर तुम्हें जरूर खुशी होगी। मेरी डायरी जिसे पढ़ने की तुम कोशिश कर रहे थे वो मैं तुम्हें भेज रही हूँ।
लकी, तुम्हारे कितने चेहरे हैं। तुम्हारा गुस्से वाला चेहरा तब देखा था जब हम पहली बार मिले थे, बाद में तुम सीरियस हो गए और अब पूरी पिक्चर ही बदल चुकी है। कोई बात नहीं, दोनों चेहरे ना बहुत अच्छे हैं। उस रात मुझे लगा कि लड़ने और झगड़ने के लिए हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, पर अब मुझे लगता है तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ रहकर मुझे सही रास्ता दिखाओगे। तुम यहीं रुकोगे? मुझे अच्छा लगता है कि तुम मुझे गले लगाकर मनाओ, क्योंकि रिलेशनशिप में मैं इस तरह से किसी को नहीं मना पाती। हमारी पहली मुलाकात प्यार में बदल जाएगी, ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं जानती हूँ तुमने हमेशा कोशिश की, बहुत कोशिश करते थे ना मेरी डायरी। अब पढ़ो, देखो मुझे तुम्हारा इस तरह से गुस्सा होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मार्केट में मिलने वाला कोई कॉमन पॉइजन नहीं है, उसने खुद लैब में तैयार किया था और डायरी के हर पन्ने पर वो जहर लगाया था, खास करके आखिर के तीन पन्नों पर। कहानी सुनाता हूँ। हाँ। जंगल में एक कीचड़ की बूंद और एक खूबसूरत पत्ता दोस्त बन जाते हैं। उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। फिर दोनों एक दिन जंगल की खूबसूरती देखने का सफर शुरू करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जंगल में एक जोर की आंधी आती है। फिर पत्ते को हवा से बचाने के लिए कीचड़ उसे अपने अंदर छुपा लेता है। फिर दोनों का सफर शुरू हो जाता है। तेज हवा थम जाती है, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो खूबसूरत पत्ता कीचड़ को बचाने की कोशिश करता है। कुछ देर के बाद बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगती हैं। आंधी पत्ते को उड़ा ले जाती है और पानी कीचड़ को बहा ले जाता है और यहीं दोनों का साथ छूट जाता है। कभी नहीं हमको जुदा।